हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आपका स्वागत है क्रेश कोर्स में। क्रेश कोर्स में आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेल बायोलॉजी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द एनसीईआरटी। ओके, 11th क्लास का आपका टॉपिक है ये। तो क्रेश कोर्स में हम जितने भी यूनिट्स हैं बेटा, उनको सबको कवर करेंगे 100% एनसीईआरटी से, 100% एग्जाम ओरिएंटेड। और आपको भी बेटा उनको बिल्कुल 100% फॉलो करना है। ओके, और आपको पेपर के जो पैटर्न है उसका आइडिया होगा ही। आपकी जो बायोलॉजी है उसका वेटेज जो है वो 50% है। टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 180 90 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चन हैं वो सारे आपको यहाँ से कवर करवाने हैं। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपका मेन टारगेट ही होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जो है आपका, उसमें कोई भी सिली मिस्टेक्स ना हो, कोई भी क्वेश्चन में आपकी एरर ना आए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को अपन ने 6 लेक्चर में डिवाइड किया है, सिलेबस आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग अपन सारे यूनिट्स को कवर करेंगे टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, क्रेश कोर्स में थोड़ा सा स्पीड रहेगा जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, टाइम कम है लेकिन अपन टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करेंगे। तो थोड़ा पहले से मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूँ, उन पॉइंट पे आपको फोकस करना है। देखो, एनसीईआरटी को पहले रिवाइज करके आना है क्योंकि सिलेबस आपके पास है, शेड्यूल आपके पास है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आपको एनसीईआरटी से, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ओनली एनसीईआरटी से उसको पहले से क्या करना है, रीड आउट करना है और फिर क्लास में उस पर फोकस करना है कि उसके रेस्पेक्ट में कौन कौन से आप जो है अप्रोच को डिलीवर कर रहे हो, कौन सी अप्रोच पे जा रहे हो। क्योंकि आपको पता है सेल बायोलॉजी जो है बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है जो अपने आप में भी एक अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको भी अप्रोच करेगा सेल बायोलॉजी। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और सेल बायोलॉजी में आप जानते हो बेटा, लगभग 6 to 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके नीट में। ओके, 6 to 8 क्वेश्चन, 8 भी आ सकते हैं। तो एवरेज आपके 6 to 8 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे फ्रॉम द सेल बायोलॉजी। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं द यूनिट सेल बायोलॉजी। और टॉपिक आज का जो रहेगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको आपके जो सब टॉपिक्स हैं लाइक सेल इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड ऑल्सो वी कवर द सेल वॉल। तो ये टॉपिक आज आपको सारे कवर करने हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ बेटा, दो पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। एक तो आपको 100% क्लास में अप्रोच करनी है, 100% आपको कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखना है। ओके, क्लास में दो चीज होती है बेटा, एक तो होता है आपका लर्निंग स्किल, दूसरा होता है टीचिंग स्किल। तो मेरे ख्याल से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको कैसे लर्न करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। टीचर आपको जो है पूरा अपनी स्किल से एक्सप्लेन करके जाएगा, लेकिन आपके अंदर अगर लर्निंग स्किल्स नहीं है तो आप उसको कैसे डाइजेस्ट करोगे। तो आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को फोकस करना, हर पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा आपको। जहां आपने स्किप कर दिया पॉइंट को, वहीं समझना कि अगले टॉपिक में आपके प्रॉब्लम आएगी। क्लियर, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। देखो, आपने सेल बायोलॉजी 9th क्लास में स्टडी की थी, 10th में की थी, 11th में की थी और 12th में भी, तो बिल्कुल वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। देखो, सेल, सेल जो टर्म है, सेल जो आपका टर्म, उसका मीनिंग क्या होता है। सेल मीन्स सेलुला, सेलुला मीन्स ए स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक दिस। सेल जब भी आती है तो आपके दिमाग में आता है ये स्ट्रक्चर, दैट इज कवर्ड बाई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ए डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन दैट डिफरेंशिएट द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ये स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल इसी को अपन आगे पूरा डिस्कस करेंगे। ये आपकी सेल है, इसके अंदर ये वाला जो एनवायरमेंट है दैट इज इंटरनल एनवायरमेंट, और बाहर जो होता है आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। और यही एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल की, जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को परफॉर्म करती है। वो सारी चीजें अपन यहां पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो सेल टर्म का मीनिंग क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब चीजें अपन यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो यहां पर कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स मैंने लिए हैं, यहां पर कवर किए हैं, उनको फोकस करना है, फिर डिटेल टू डिटेल अपन बातें करते जाएंगे। तो सेल का मीनिंग क्या होता है, लैटिन वर्ड है सेल, मींस सेलुला, ए स्मॉल कंपार्टमेंट। सेल इज ए यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिलिमिटेड बाय डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विदाउट सेल मेम्ब्रेन नो वन सेल कैन एग्जिस्ट। अगर उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो बेटा वो सेल ही नहीं होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसका एसेंशियल पार्ट होता है। दैट क्लियर। नेक्स्ट, ए सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन। ये सारी चीजें मैंने जो ली है ना बेसिक इंट्रोडक्शन में, ये आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। जो सेल है उसके अंदर बेटा देखो डिफरेंट पार्ट्स होंगे,
सेल ऑर्गेनल, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल, अदर स्ट्रक्चर्स, उनमें होता क्या है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर टू परफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो उनमें क्या हो रहा है बेटा, इंट्रैक्शन हो रहा है, डायनेमिक इंट्रैक्शन. इट हैज मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इनेबल टू एसिमिलेट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. इसके अंदर ऐसे करेक्टर होंगे कि इसमें ग्रोथ की कैपेसिटी होगी, इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी, इसमें ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्शन भी होगा. ये सारी प्रॉपर्टी एक सेल में होनी चाहिए, तभी आगे अपन इनको लिंक करेंगे. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द डिवीजन. जो भी सेल बनेगी उसमें आगे ग्रोथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. अगर ग्रोथ नहीं है ऑब्वियसली वो सेल जो है परफॉर्म नहीं करेगी, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी. तो बेसिकली इनको अपन स्टार्ट करते हैं यहां से. फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? ये आपकी एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में मेंशन कर रखा है बेटा. तो इसका मीनिंग क्या होता है समझे, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है. देखो बेटा, आपको ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, आपको ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है. ऑब्वियसली ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, तो ऑब्वियसली आपके अंदर, इसके अंदर सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा. और आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्टडी करनी है तो ऑब्वियसली आप समझते हो बेटा, आपको टेस्ट ट्यूब का यूज करना पड़ेगा. जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अपन परफॉर्म करवाएंगे कि एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है, उसका क्या फंक्शन है, तभी तो आप एक ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन कर पाओगे, उसको समझ पाओगे. तो ये जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जिसमें अपन सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको इन विट्रो कंडीशन में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. और तभी ये पॉसिबल हो पाया. आपने देखो पहले भी चीजें स्टडी की हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो अपन स्टडी करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस ये है, ईटीएस ये होता है, तो वो रिएक्शन आपने कहाँ स्टडी की? आप सेल के अंदर तो ना स्टडी कर पाओगे, उनको आपने क्या किया, इन विट्रो कंडीशन में परफॉर्म करवाया और उसके बाद में उनको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है. ओके, आगे चलते हैं. व्हाट इज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी? तो यहां पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी होती क्या है. वेरी सिंपल, सिंपल है ना बेटा. साइटोलॉजी, साइटो सेल, लॉजी मींस स्टडी. तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें आपको क्या करना है, सेल के सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करनी है, लाइक इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, जो भी सेल में हो रहा है सबकी स्टडी करनी है, दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. ओके, तो सेल बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल, लाइक स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, जो अपने इस चैप्टर में इसको पूरा कंप्लीटली स्टडी करेंगे. तो बिल्कुल ये बेसिक बात होगी बेटा. ऐसे आपको सारे कॉन्सेप्ट को देखो एक्सप्लेन करना है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगा बेटा. कुछ पॉइंट्स आएंगे एक्स्ट्रा जो आपको यहां पर कवर करना है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, स्टडी करेंगे अपन बेटा. जो लाइफ है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल. कभी आपने स्टेटमेंट स्टडी किया होगा, लाइफ स्टार्ट विद ए सिंगल सेल, आइदर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा, सेल से होती है, क्योंकि सेल में ही जो है लाइफ के करेक्टर हो सकते हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक यूनिट है बेटा. विदाउट सेल नो वन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. जैसे वायरस है, वायरस एक एक्सेप्शन है बेटा. वायरस इज नॉट ए सेलुलर एंटिटी. सो वायरस आउटसाइड ऑफ द सेल, वायरस इज नॉन लिविंग. बट इनसाइड द सेल, इनसाइड द होस्ट सेल, वायरस कंसिडर्ड एज लिविंग एंटिटी. तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शनल में आ जाएगा. तो इसमें अब आगे चलते हैं, अपन छोटी छोटी बातें करते हैं. पहले देखो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा, बिल्कुल सिंपल वे में समझना बेटा, क्योंकि मैं हर चीज को जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा. क्योंकि जब तक आपको 100 बेसिक अप्रोच नहीं मालूम होगी, आप कभी भी डिटेल में नहीं जा पाओगे. इसलिए आपको देखो, बिल्कुल आपने कभी 8th-9th क्लास में स्टडी कर लिया होगा बेटा, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म. मैं आपके सामने हूँ, मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूँ बेटा. तो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्गेनिज्म इज ए स्ट्रक्चर दैट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, जिसका खुद का क्या हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और वो लाइफ के लिए जो असेंशियल फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करने में क्या हो, कैपेबल हो, तभी तो बोलेंगे उसको ऑर्गेनिज्म. जैसे मैं हूँ आपके सामने, मेरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एंड आई एम अनेबल टू परफॉर्म ऑल असेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबोलिज्म, इवोल्यूशन, इंट्रैक्शंस, रेस्पॉन्स, सेंस, ये सारे करेक्टर किसके होते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिज्म के होते हैं, तभी तो वो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म को अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं बेटा.
ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स ओनली सिंगल सेल. ओके, सिंगल सेल. फिर से समझना बेटा, इफ ए सिंगल सेल हैव कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड इफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक अस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी सेल जो है वो मिलकर क्या करेंगे बेटा, ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको क्या बोलोगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा बेटा, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स. क्लियर. अब एग्जाम्पल की बात आती है तो बेटा आपको पता है सब, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में अगर अपन बात करें तो अगर अपन किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका किंगडम कौन सा बेटा, प्रोटिस्टा, इसके अलावा मोनेरा. किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी. प्रोटिस्टा की बात करें आपका इसमें आ जाएंगे प्रोटोजो आ जाएंगे, डाइनोफ्लेजलेट्स आ जाएंगे, यूग्लिन आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, जिसके अपन डाइवर्सिटी में बात भी करेंगे. तो दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बेटा यहाँ पर कौन कौन से किंगडम आएंगे, यहाँ पर आएगा आपका बेटा फंजाई, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया. तो दीज थ्री किंगडम्स इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब वो ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी में स्टडी करोगे तो उनके बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो डिफाइन कर लोगे इजीली. अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट बेटा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. मैं फिर कह रहा हूं बेटा एनसीईआरटी के हर स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से मैनिपुलेट करेगा वो. एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. कोई भी स्ट्रक्चर है अगर उसमें स्ट्रक्चर में सेल कंप्लीट नहीं है तो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता. जैसे कोई भी सेल होगी बेटा अपन बात करेंगे, उसका कोई ना कोई बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, ईआर होगी, गोल्जी बॉडी होगी, भी बात करेंगे अपन. अगर उसमें आपने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, गोल्जी बॉडी को रिमूव कर दिया, सो दैट कैन नॉट एग्जिस्ट द इंडिपेंडेंट लिविंग. सो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. सो हेंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यही तो रीजन है कि अपन बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसका रीजन क्या है, बिकॉज एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. क्लियर है, बहुत इजी. इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, इंट्रोडक्शन में आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद में जब डिटेल में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. फंक्शन ऑफ ए सेल, तो आपके दिमाग में आता है कि सेल है, उसकी अपने डेफिनेशन बता दिए है, तो सेल के क्या फंक्शन होते हैं बेटा. सारे फंक्शन ही सेल के होते हैं. ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करें, अपनी बात करें, तो अपने अंदर सेल ही तो है बेटा. सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम फाइनली ऑर्गेनिज्म. ये आपने कभी स्टडी किया होगा. देखो बेटा ये जो आपका लेवल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, लाइक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म. सो ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल का ग्रुप टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन. ऑर्गन में क्या होते हैं, ऑर्गन जो मिलकर वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और उसी से बनेगा आपका ऑर्गेनिज्म. ये एग्जांपल आएंगे जूलॉजी में, आप स्टडी करोगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स ऑल्सो इन प्लांट, ऑल्सो इन एनिमल्स. तो सेल के फंक्शन की अगर बात करें, ए लिविंग थिंग मस्ट रेस्पोंड टू चेंज इन इट्स एनवायरमेंट. ऑब्वियसली इसमें सेंस होना चाहिए बेटा, रेस्पोंड भी करेगी एनवायरमेंट का, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे तो उसको रेस्पोंड करेगी, इंपॉर्टेंट है. आपको पता है ना ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है बेटा सेंस एंड रेस्पॉन्स, तभी तो बोलते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा, उनमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है और उनका ये असेंशियल कैरेक्टर होता है. लिविंग थिंग मस्ट ग्रो एंड डेवलप्ड अक्रॉस इट्स लाइफ स्पान. इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, इसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए. क्लियर. मस्ट एबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन होगा ही. मस्ट हैव मेटाबॉलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
मेटाबॉलिज्म मींस सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म एंड देर आर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द सेल और उन्हीं की वजह से कैरेक्टर्स आते हैं. मेंटेन होम्योस्टेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो सेल होती है बेटा उसमें होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी होगी जो क्या करेगी बेटा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जैसे बोला ना कीप इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट सेम रिगार्डलेस टू आउटसाइड चेंजेस. आउटसाइड कोई भी चेंज हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या रहना चाहिए बेटा जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. उसमें अगर ड्रास्टिक चेंजेस हो गए अकॉर्डिंग टू आउटसाइड एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली सेल की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी. तो इसमें क्या होगा होम्योस्टेसिस. क्लियर. अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हिस्ट्री ऑफ द सेल. सेल की हिस्ट्री बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा. बहुत इजी बातें चल रही हैं सब पे फोकस करना है कि सेल को डिस्कवर किसने किया सेल टर्म जो है वो किसने दी. हिस्ट्री ऑफ सेल में अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी रॉबर्ट हुक की. रॉबर्ट हुक वाज ए ब्रिटिश साइंटिस्ट और ये बात कब की बेटा 1665. सारी डेट याद रखनी पड़ेंगी आपको. सेल वॉज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाई रॉबर्ट हुक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल की डिस्कवरी और सेल जो टर्म है उसका क्रेडिट किसको दोगे आप रॉबर्ट हुक को. और ये कब की बात है 1665. ही स्टडीड ए थिन स्लाइस ऑफ बोटल कॉर्क. बात करेंगे अपन व्हाट इज बोटल कॉर्क क्या होती है उसने क्या स्टडी की. एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक था बेटा वो था आपका स्पेक्ट मेकर जिसमें होते हैं ना बनाने का काम करता था. और आपको पता है स्पेक्ट जो होते हैं उनमें लेंस होते हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं एनलार्ज करते हैं. तो उसने बैठे बैठे क्या किया एक सिंपल माइक्रोस्कोप डिजाइन कर दिया जिसका मैग्निफिकेशन पावर अच्छा खासा था. उसने देखा कि इस माइक्रोस्कोप से कोई भी अपन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी साइज लार्ज हो रही है एनलार्ज हो रही है. तो उसके अंदर कुछ ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी अपन कर पा रहे हैं. तो उसने क्या किया बैठे बैठे एक दिन बोटल कॉर्क ले लिया. बेटा बोटल कॉर्क क्या होता है पता है ना प्लांट का पार्ट होता है डेड पार्ट. एक प्लांट का डेड पार्ट होता है ओके. कॉर्क जो बोतल होती है उसमें अपन जो यूज करते हैं ढक्कन टाइप कैप यूज करते हैं देखा होगा आपने उसको अपन कॉर्क बोलते हैं. इम्परमेबल होता है वाटर के लिए. उसने उसको यूज किया कैसे किया कैसे उसको आगे डिस्कवर किया देखो सारी बातें करते हैं. इसने क्या किया था एक स्लाइस ले ली बोतल कोर की. समझना बेटा इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. थिन स्लाइस ली ये रहा अभी आपने बोला ना थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. उस कॉर्क की थिन स्लाइस लेके उसने क्या किया माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप कहां से लाया बेटा सेल्फ मेड था उसने खुद ने बनाया था माइक्रोस्कोप सेल्फ मेड. ये सारे पॉइंट आपको कॉपी में नोट करने बेटा साथ साथ इनको नोट करते जाना क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनसे. तो जैसे उसने ऑब्जर्व किया तो देखा कि उसको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर विजिबल हुई बेटा. माइक्रोस्कोप में स्टडी की तो ऐसे स्ट्रक्चर लाइक द हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब देखा होगा बेटा जो हनी बी होती है उनका जो कॉम्ब होता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. तो ऐसे स्ट्रक्चर उसको विजिबल हुई. तो देखो बेटा यहां पर स्ट्रक्चर विजिबल हुई तो ये आपको दिख रहे हैं ना होलो स्पेस है दैट इज होलो स्पेस. होलो स्पेस ये देखो दैट इज होलो स्पेस. और इन होलो स्पेस को उन्होंने टर्म दी सेलुला. सेलुला मीन्स होलो स्पेस स्मॉल कंपार्टमेंट और सेलुला से ही नाम आ गया बेटा आपका सेल. सो सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक. सेल टर्म गिवन बाई रॉबर्ट हुक. बट ऑब्वियसली आपको अभी बताया मैंने ये सेल कैसी थी बेटा डेड सेल थी. लिविंग सेल की बात नहीं करेंगे. डेड सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक. ओके दैट होलो स्पेस इज कॉल्ड सेलुला. सेलुला मीन्स सेल. सेल इज और यहां पर जो सेल उसने स्टडी की थी कौन सी थी डेड सेल थी. क्लियर. इसने क्या किया जैसे ही स्ट्रक्चर को स्टडी किया उसने बता दिया दैट इज द होलो स्पेस. एक्चुअल में उसको क्या चीज विजिबल हुई थी दैट इज द सेल वॉल दैट इज अराउंड द दैट होलो स्पेस. और उसने सेल वॉल को भी डिस्कवर किया. तो यहाँ क्वेश्चन क्या डिजाइन होंगे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे अप्रोच करना है. सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक. सेल टर्म गिवन बाई रॉबर्ट हुक. डेड सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक एंड द सेल वॉल ऑल्सो डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक. तो सेल वॉल की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट भी किसको दिया गया रॉबर्ट. उसने फिर क्या किया ये जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसको एक बुक में पब्लिश किया दैट वाज माइक्रोग्राफिया. ये भी पॉइंट नोट कर लेना माइक्रोग्राफिया. इस बुक में उसने जो भी स्टडी की सबको पब्लिश कर दिया. तो माइक्रोग्राफिया बुक पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट हुक. क्लियर. तो
तो रोबर्ट हुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो रोबर्ट हुक साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट, डिस्कवर द सेल, क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो, अब नेक्स्ट आ गया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक से रिलेटेड केवल बेटा दो ही क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको याद रखने हैं, द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। तो क्रेडिट किसको दोगे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने क्या किया? लिविंग सेल्स की स्टडी की, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, स्पर्म एंड आरबीसी। तो स्टडी जो है अपन बात करें अगर लिविंग सेल की, तो किसको क्रेडिट दोगे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इसने एक माइक्रोस्कोप वहां में लिया था, ऑब्वियसली सेल्फ मेड था, अभी बताया मैंने। रॉबर्ट हुक ने भी माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था। अगर आपको लिविंग सेल की स्टडी करनी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक माइक्रोस्कोप होता है, इसको अपन बोलते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया बेटा, क्वेश्चन आ सकता है इसे। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज यूज्ड द लिविंग स्टडी ऑफ द सेल। इसमें थोड़ा सा देखो डिफरेंस होता है, इसमें अपन कभी भी स्टेनिंग नहीं करेंगे। आपको मान लो कोई सेल की स्टडी करनी है, आपने स्लाइड पे कोई सेल ले ली, आपने कोई बैक्टीरिया ले लिया, तो आपको स्टेनिंग नहीं करनी। अगर आपने स्टेनिंग कर दी तो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगे बेटा? स्टॉप हो जाएंगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो डेड सेल में काउंट होगा। लेकिन इसने विदाउट स्टेनिंग जो है सेल की स्टडी की, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, स्पर्म एंड आरबीसी। कर लोगे तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक से केवल एक क्वेश्चन बनेगा, स्टडी ऑफ द लिविंग सेल्स। और रॉबर्ट ब्राउन एक अलग से स्टेटमेंट दे दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने आपका डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को, इन 1831। ये एनसीईआरटी के साइंटिस्ट है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा, जनरली इनसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस की जब स्टडी करेंगे तो वापस इसको अपन रिवाइज कर देंगे, न्यूक्लियस की पूरी डिटेल आएगी, रॉबर्ट हुक की सारी बातें आ जाएंगी, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल थ्योरी। और याद रखना बेटा 100% नीट में इससे क्वेश्चन आता है, ओके। सेल थ्योरी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां मैंने मेंशन कर दिया, सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाई स्लीडन एंड स्वान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई स्लीडन एंड स्वान। तो सेल थ्योरी में कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? दो साइंटिस्ट की बात करेंगे, पहला स्लीडन, दूसरा स्वान। ऑब्वियसली सेल थ्योरी प्रपोज की, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है क्या स्टेटमेंट आएंगे उनको डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले आपको स्लीडन और स्वान जो है उनको अलग अलग स्टडी कर लेते हैं, कि स्लीडन ने क्या स्टडी किया, स्वान ने क्या स्टेटमेंट दिए, फिर उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। तो दोनों साइंटिस्ट को अपन क्या करते हैं, अलग अलग पहले स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथियाज स्लीडन। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जितना इजीली आप स्टेटमेंट को याद करोगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि नीट के अंदर बहुत बेसिक अप्रोच पे जाएगा, आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाएगा, जो स्टेटमेंट है उनसे बात करेगा। मैथियाज जो स्लीडन था वो कौन था? जर्मन बोटनिस्ट। ऑब्वियसली बोटनिस्ट होगा तो किस पे स्टडी करेगा? प्लांट्स पे। तो उसने क्या किया? डिफरेंट प्लांट्स की स्टडी की। किसने? स्लीडन ने प्लांट की स्टडी की। माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था, माइक्रोस्कोप की स्टडी हो चुकी थी, उसको यूज किया, माइक्रोस्कोप यूज किया, तो उसके जो टिश्यूज वगैरह हैं उनकी स्टडी की। तो उसने देखा जो प्लांट्स हैं उनमें क्या है बेटा? सेल्स हैं। ऑब्वियसली सेल पहले से क्या है? डिस्कवर्ड है। ये बात कब की कर रहे हैं अपन? 1838। तो उसने क्या किया? स्टडी ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। और उसने कंक्लूजन जो दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। कंक्लूजन देखो यहाँ मेंशन किया है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। जितनी भी आपकी जो प्लांट सेल्स हैं वो किसका फॉर्मेशन कर रही है? टिश्यूज का। तो यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट याद रखना है, दिमाग नहीं लगाना है, जो मैथियाज स्लीडन था उसने क्या कंक्लूजन दिया, केवल एक स्टेटमेंट याद रखना आपको, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये स्टेटमेंट जो है किसने बताया, तो आपको सीधा आंसर देना है क्या? मैथियाज स्लीडन। कर लोगे, उसने केवल प्लांट की स्टडी की और ये स्टेटमेंट दे दिया। ऑब्वियसली क्या बोला है उसने? प्लांट कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट देखो थियोडोर स्वान, सेकंड साइंटिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ स्टेटमेंट है जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। थियोडोर स्वान वॉज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ओके। कौन था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। उसने क्या किया देखो, और बात है ईयर बता रहा हूं मैं साथ साथ, ये 1838 की बात है, ये 1839 की बात है, इसका मतलब अलग अलग ईयर में और इंडिपेंडेंटली। इसने कहा? जर्मनी में स्टडी की। और इसने कहा? ब्रिटिश ब्रिटेन में स्टडी की। फिर बाद में उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, वो बाद की बात है। अब देखो ये कौन था? थियोडोर स्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उसने क्या स्टेटमेंट दिया? उसने डिफरेंट एनिमल्स पे स्टडी की। स्टेटमेंट पे रहना बेटा आपको, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एंड रिपोर्टेड दैट एनिमल सेल हैड थिन लेयर। उसने बोला कि जो एनिमल सेल होती है उसके चारों ओर क्या होती है बेटा? एक थिन लेयर होती है, जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं, टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई थियोडोर स्वान, ओके। ये उसका स्टेटमेंट था, उसने बताया।
एनिमल पे स्टडी की. अब देखो बेटा आगे चलते हैं, इसके स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ही ऑल्सो स्टडीड ऑन प्लांट टिश्यूज, उसने प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी कर ली और उसने प्लांट टिश्यू पे स्टडी करके बताया कि आपका जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड कंक्लूडेड दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट. तो ये स्टेटमेंट किसका था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, स्टेटमेंट गिवन बाई थियोडोर स्वान. बात को समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है. ओके तो इसका मतलब आपका जो स्वान था उसने एनिमल और प्लांट दोनों पे स्टडी किया, एनिमल की स्टडी भी की और प्लांट की स्टडी की. तो उसने स्टडी करके बताया कि इसके कुछ हाइपोथेसिस की फॉर्म में उसने डेवलप किया, स्वान हाइपोथेसिस को बोल देते हैं. तो उसने एक स्टेटमेंट दिया, द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, दैट इज स्वान हाइपोथेसिस. इज दैट क्लियर? द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. फाइनली उसने एक दिमाग में पिक्चर क्लियर कर दी कि प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी जो बॉडी है किसकी बनी है, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, दैट इज स्वान हाइपोथेसिस. क्लियर? ये तो होगी स्वान. अलग अलग साइंटिस्ट की मैंने बातें बता दी उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन फिर दोनों आपस में कहीं मिले और उन्होंने मिलकर एक थ्योरी प्रपोज की, उसको बोल दिया सेल थ्योरी, जिसकी अपन ने बात की थी, हेडिंग डाला था सेल थ्योरी. तो आप बताओगे बेटा, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वान. And according to cell theory, very very important, all living organisms are composed of cells and product of cells. This statement cell theory का है. All living organisms are composed of cells and product of cells. Cell is the fundamental structure and fundamental unit of all organisms. Simple सी बात है. Fundamental, structural and functional unit. That is functional unit. इसको functional कर लेना बेटा. फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बताया था स्टार्टिंग में, स्टेटमेंट में बता दिया था. ये सेल थ्योरी की बात होगी बेटा. अब आप बताओ, इन्होंने बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, कब की बात है, 1839 की. तो उस टाइम में ये बात बताना भी बहुत बड़ी बात थी कि ऑर्गेनिज्म किसके बने, सेल्स के एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. तो बाकी के जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में क्वेश्चन आए, क्यूरीज आई कि चलो आप कह रहे हो कि सेल्स के बने हैं, तो आप ये बताओ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है इनिशियली स्मॉल होता है, जैसे प्लांट है बेटा, फिर आपको पता है लाइफ में उसकी ग्रोथ होती है, ये लार्ज साइज का हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी सेल का बना है, ये भी सेल का बना है. तो अगर इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी साइज इंक्रीज हो रही है, तो पक्का सेल भी इंक्रीज हो रही है. तो उन्होंने क्वेश्चन अरेंज किया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेल, सेल्स आई कहां से. तो ये इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया, उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ. तो बड़ा प्यारा है, दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. अभी तो आपको तो मालूम है बेटा, आप तो तुरंत बोल दोगे सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द डिवीजन. सेल में डिवीजन होता है, नंबर इंक्रीज करती है, ग्रोथ हो जाती है, लेकिन उस टाइम थोड़ा ना मालूम था. तो स्लीडन स्वान ने न्यू सेल्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं किया था. क्लियर? अब देखो उसके बाद आई बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडर्न सेल थ्योरी कुछ नहीं किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, या इसको बोल दो मॉडिफाइड सेल थ्योरी और सेल प्रिंसिपल, प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चो. नीट का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, कई बार आया हुआ है, मॉडर्न सेल थ्योरी और मॉडिफाइड सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चो इन 1855. ओके और उसने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिड सेलुला ई सेलुला, ये रहा बेटा ओमनिड सेलुला ई सेलुला. उनकी लैंग्वेज में बोला उन्होंने, इसका मीनिंग अपन बताते हैं इंग्लिश में क्या होता है. ओमनिड सेलुला ई सेलुला मींस न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन. देखो ये सेल है बेटा, इसमें होगा डिवीजन, ये सेल डॉटर सेल बनेगी. सो न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द डिवीजन, और डिवीजन भी तो अपन इस यूनिट में स्टडी करेंगे, सेल डिवीजन की क्या जो है इवेंट्स होते हैं, हाउ सेल डिवाइड, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, सारी बातें करेंगे यहाँ पर. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला बाय रुडोल्फ वर्चो इन 1855, और ये भी नीट का पैटर्न क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडर्न सेल थ्योरी, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की बातें चल रही है बेटा, और ये आपको याद रखनी पड़ेंगी. क्लियर? अब आते हैं देखो एक्सेप्शन पे. आप बोल रहे ना ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा एक्सेप्शन है वायरस, जिसको अपन अलग से स्टडी करेंगे, वायरस. इसके अलावा बेटा वायरोइड्स,
उसके अलावा कभी स्टडी करोगे आप प्रियोन्स, अभी तो रहने देना, अभी वायरस मेंशन कर दो, दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी बिकॉज दे आर नॉट सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे लैक सेल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेल ऑर्गेनाइजेशन बेटा एब्सेंट होता है, तो किस में आ गए, एक्सेप्शन में आ गए, इनमें सेल एब्सेंट होती है, तो वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ द मेजर एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, कर लोगे। तो ये इंट्रोडक्शन की सारी बातें मैंने आपको बता दी यहां पर, देखो बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ले रहा हूं बेटा, मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करता चलूंगा, क्योंकि आपको पता है नीट में आता क्या है बेटा, एनसीईआरटी लैंग्वेज, उसके क्वेश्चंस, दिमाग में पिक्चर क्लियर करनी है केवल आपको, और वो तभी होगी जब क्लास में आप 100% फोकस करोगे, तभी लॉन्ग टाइम तक जो है ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात होगी, अब सीधा अपन काम की बात पे चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं बेटा, जैसे आपने की स्टडी की कि सेल क्या है, सेल के फंक्शंस की बात कर ली आपने, सेल की डेफिनेशन की बात कर ली, डिस्कवरी की बात कर ली। अब यहां बात आती है, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जो आपकी सेल है बेटा, ये आप बार बार बोल रहे ना सेल, तो इसकी साइज में, इसकी शेप में, इसकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें काफी वेरिएशन होते हैं, डिफरेंट साइज की सेल्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट शेप होती है, वो सारी बात अपन करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं पहले साइज की, तो यहां देखो कुछ एग्जांपल लिए मैंने और उनकी साइज को मेंशन किया है, तो ये एग्जांपल है और यहां पर मैंने मेंशन किया किसको, साइज को, माइकोप्लाज्मा, ऑब्वियसली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको डाइवर्सिटी में आप डिटेल में स्टडी करोगे। इसकी साइज जो है वो होती है बेटा 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, क्लियर। तो इसकी साइज क्या है, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, वेरी वेरी स्मॉल। सो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। अगर क्वेश्चन आए स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा, माइकोप्लाज्मा, साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो साइज है वो एवरेज बता रखी है बेटा 3 to 5 माइक्रोमीटर है, बोल सकते हैं लार्जर देन द माइकोप्लाज्मा, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी, अपनी जो आरबीसी है ब्लड में, जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, कॉर्पसल होती हैं, उनकी साइज देखो बेटा कितनी है, 7 माइक्रोमीटर। तो ये अपनी स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन की स्मॉलेस्ट सेल है बेटा, कर लोगे। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है बेटा ऑस्ट्रिच एग, उसकी साइज कितनी है देखो, 17 by 11 centimeter, काफी है। देखो एग जो होता है आपको पता नहीं, आइसोलेटेड सेल ही होती है, एग एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसकी साइज मैंने बताई, और ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है बेटा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, क्लियर। नर्व सेल की बात करें तो देखो अपने अंदर जो नर्व सेल है उसकी लेंथ 90 centimeter तक हो सकती है, ऑब्वियसली। अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो कौन होती है बेटा, नर्व सेल होती है लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। ये देखो बोहिमीरिया निविया एक प्लांट है बेटा, उसमें जो बास्ट फाइबर है उस फाइबर की जो साइज है वो है 55 centimeter, तो ये लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है, कर लोगे, सिंपल है। एस्टाबुलेरिया इज ए ग्रीन एल्गी, एस्टाबुलेरिया कौन होता है, ग्रीन एल्गी, और उसकी जो साइज है वो है 10 centimeter, इट इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, 10 centimeter। ये चीजें आएंगी आगे आपके अलग अलग चैप्टर में, इनको अप्रोच में लिया गया, लेकिन मैंने यहां पर एग्जांपल को समराइज कर दिया, तो ये साइज वाले एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात आती है शेप की, तो सेल की शेप जो है वो भी वेरिएबल होती है बेटा, कोई डिस्क शेप होती है, पॉलीगोनल, कोल्यूमनर, क्यूबिड, थ्रेड लाइक एटसेट्रा, जो अपन स्टडी करेंगे कभी अलग अलग, जब टिश्यू लेवल पे जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट टाइप की सेल्स आएंगे, कुछ का एग्जांपल अभी डायग्राम में बताऊंगा आपको। शेप ऑफ सेल में वेरी विद फंक्शन दे परफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो सेल्स होती है बेटा उनकी जो शेप है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर जाती है, कि कैसा उसको फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप भी क्या करती है, वेरी करती है, याद रखना बेटा। शेप ऑफ सेल में वेरी विद फंक्शन दे परफॉर्म, जैसा फंक्शन करना उसके अकॉर्डिंग वो शेप को क्या कर लेती है बेटा, चेंज कर लेती है। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ डायग्राम रिप्रेजेंट करने हैं आपके सामने, जैसे ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से लिए हैं बेटा, ओके। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, डायग्राम देखे बोलेगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेल्स। देखो बेटा अपने शेप की बात की थी ना, ये राउंड और बाई कॉनकेव सेल दिख रही है आपको, राउंड है और बाई कॉनकेव, दीज आर द आरबीसी,
ह्यूमन आरबीसी, अपनी जो ह्यूमन आरबीसी उसकी शेप कैसी होती है बेटा, राउंड होती है, बाई कॉनकेव होती है, ठीक है। देख लो ह्यूमन सेल की बात करें उसमें भी वेरिएशन मिल रहा है। ये अमीबोइड, ये आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल है WBC कैसी होती है, अमीबोइड होती है, उसमें काफी सारे एग्जाम्पल है। ये देखो बेटा लॉन्ग एंड नैरो दिख रही है, लॉन्ग है और नैरो है, ये होती है आपकी जो एपिथीलियम होती है बेटा, उन पे जो सेल्स होती है, ये कैसे सेल है बेटा, कोल्यूमनर, जो गट वगैरह होती है उनके इंटरनल जो लाइनिंग होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। ये आपके सामने क्लियर है, पता लग रहा होगा। ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ये कौन होती है बेटा, नर्व सेल, नर्व सेल, देख लो ब्रांच है और लॉन्ग है, देख लो इसकी शेप में भी वेरिएशन है। ये वाली स्ट्रक्चर आएगी कभी आप एनाटॉमी स्टडी करोगे, इलोंगेटेड सेल कौन है बेटा, ये ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स जो है उनकी शेप ऐसी होती है। यहां देखो राउंड एंड ओवल, प्लांट की बात करें तो जो मीजोफिल सेल्स है बेटा आपकी, मीजोफिल सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसी होती है, राउंड एंड ओवल। तो ये एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम से उन्होंने कि आपकी जो सेल है उनकी जो शेप है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, बिल्कुल सिंपल बात है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। आपने जो सेल की स्टडी की है, सेल की स्ट्रक्चर की भी तो स्टडी करनी पड़ेगी कि सेल का क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल के अंदर जाओगे तो उस बेसिस पे काफी सारे डिफरेंसेज हैं, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहले तो एक बार दो तीन जो बेसिक जो डिफरेंस है उनको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में आगे अपन चलेंगे। यहां देखो प्रोकैरियोटिक, यहां प्रोकैरियोटिक में दो टर्म है, प्रो एंड कैरियोन। प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियोन मींस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे उनको आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी और भी सारे डिफरेंस हैं। यहां देखो बेटा यूकैरियोटिक सेल, तो यहां यूकैरियोटिक में फिर दो टर्म आ गई, यू मींस डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, एंड कैरियोन मींस, अभी बताया मैंने, कैरियोन मींस न्यूक्लियस। क्लियर। अब देखो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल कौन होंगे बेटा, लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, दे कंसिस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एंशियंट न्यूक्लियस। यहां देखो बेटा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, सो सेल विच कंसिस्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, एंड सेल विच कंसिस्ट मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, दैट कंसिस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यहां पर न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड, बातें करेंगे डिटेल में, घबराना मत बेटा, अभी बेसिक बात करोगे तभी तो आगे डिटेल में जाओगे। यहां देखो बेटा अगला डिफरेंस, लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जो प्रोकैरियोटिक सेल उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे, लाइक न्यूक्लियस, ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको अपन डिटेल में लेंगे। यहां पर वन एनवेलप सिस्टम होता है, देखो बेटा एक बार डायग्राम से क्लियर कर दूं, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, केवल डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे। बट यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे डिटेल में, स्ट्रक्चर भी आएगी, यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, ओके न्यूक्लियस प्रेजेंट, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसके अलावा इसमें और भी स्ट्रक्चर होंगे मेम्ब्रेन बाउंड, लाइक ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो एक ये बेसिक क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, इसको मैंने बोला वन एनवेलप सिस्टम, क्योंकि इसके पास केवल कौन है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जो है मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट एब्सेंट है, इसमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, इसको क्या बोलोगे, वन एनवेलप सिस्टम। और यहां देखो टू एनवेलप सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, बट इनसाइड द सेल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो ये क्या हो गया, टू एनवेलप सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट वन एनवेलप सिस्टम एंड यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट द टू एनवेलप सिस्टम। इज दैट क्लियर, बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है बेटा, और बहुत अच्छे प्यारे स्टेटमेंट्स हैं। तो ये हल्का सा मैंने आपको डिफरेंस बताया है, काफी सारे आने वाले हैं अभी, देखो पूरे लेक्चर के बाद बात करेंगे अपन। तो पहले अपन किसकी स्टडी कर लें, प्रोकैरियोटिक सेल्स की, फिर बात करेंगे किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। और मैं अगर एग्जांपल की बात करूं
कि सर प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके एग्जांपल बताओ किसमें होती है, तो बड़ा प्यारा है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम में जो मेंबर्स हैं उनमें सब में कौन सी सेल होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये क्या है, यूनिसेलुलर है। तो याद रखना जिंदगी में अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो पक्का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो उसमें मेंबर में एग्जांपल बताना, मोनेरा के कभी पढ़े होंगे बेटा आपने, लाइक बैक्टीरिया, माइको प्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा, दीज आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा एंड दीज आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर यूकैरियोट की बात करें तो बेटा जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें यूकैरियोटिक सेल है प्रोटिस्टा। इसके अलावा किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, दे इंक्लूड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है, लास्ट अभी मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था। और आपका मोनेरन जो है वो भी क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर। ओके, तो ये भी तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कर लोगे, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल बातें चल रही है बेटा, स्टेटमेंट याद रखने हैं क्योंकि टोटल इंफॉर्मेटिव है और कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद करवा देंगे। क्लियर, तो ये हाँ हो गया आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बेटा इसके बाद अपन सबसे पहले बताओ क्या स्टडी करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रोकैरियोटिक सेल की क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं, वो सारी बातें अब यहां पर अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर में आपका है यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो बेटा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसके बाद में पूरी स्ट्रक्चर को अपन एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। यहां देखो कुछ स्टेटमेंट है, उनको मैं कवर करवाता हूं। पहले मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट, अभी बताया था, कंसिस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ये इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड बाई बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइको प्लाज्मा, ये एग्जाम्पल है। और ये कौन है बेटा, ये कौन है, अभी बताया था मैंने, मोनेरा, दीज आर मोनेरन्स, मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। वेरी वेरी सिंपल, डिफरेंस भी आएगा बेटा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस बताऊंगा, वापस से रिवाइज करवा दूंगा चीजों को, जितना बार रिवाइज करके स्टडी करोगे तभी याद होंगे बेटा। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है, और रैपिड डिवीजन होगा, क्योंकि स्मॉल है तो डिवीजन क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, सिंपल है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, अभी बताया था मैंने। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेग्ड, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्या होता है बेटा, नेग्ड होगा। व्हाई नेग्ड, बिकॉज लैक स्टोन प्रोटीन, तो यहां ही मेंशन कर रहा हूं बेटा, लैक स्टोन प्रोटीन, तो स्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, नेकेड। सो नेकेड डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट्स बिकॉज दे लैक स्टोन प्रोटीन, बट यूकैरियोट में स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वहां नेकेड नहीं होगा। एंड नॉट एनवलप्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिंपल सी बात है, यहां समझना बेटा। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट इज नेकेड, रीजन क्या बोलोगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्टोन प्रोटीन, ध्यान रखना ये मिस्टेक मत कर देना। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, दे कंसिस्ट सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जो जीनोमिक डीएनए होता है उसकी बात करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे, तो जो इसका जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, सिंगल है, एक ही है, और सर्कुलर डीएनए। उसके अलावा देखो, दे कंसिस्ट स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, कौन होते हैं बेटा, ये प्लाज्मिड, इसके अंदर प्लाज्मिड ही प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मिड इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये टॉपिक आएगा बेटा, ये केवल मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इनमें जो प्रॉपर्टी में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अपन, कर लोगे। अब देखो आगे, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की बात करेंगे। प्लाज्मिड डज नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल बट प्रोवाइड सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया, जिसमें प्रेजेंट होंगे उसको यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड जो है वाइटल नहीं होते हैं, प्लाज्मिड आर नॉट वाइटल, यही लिख देता हूं मैं, प्लाज्मिड
बेटा अगर वाइटल होता तो सब में प्रेजेंट होता ना, तो सब में प्रेजेंट नहीं है, फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया बट प्रोवाइड सम यूनिक करेक्टर टू द बैक्टीरिया. सो प्लाज्मिड द डीएनए बट नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. मेन कौन है? जीनोम है, जिसकी अभी स्ट्रक्चर आने वाली है बेटा, सब क्लियर करूंगा, स्ट्रक्चर में सारे पॉइंट वापस क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं. पहले अपन, आप मुझे पहले तो ये बताओ बेटा, जो आपके बैक्टीरिया है वो आपके जो किंगडम मोनेरा उसके सोल मेंबर होते हैं, मालूम है ना? किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है, जो मेन है, वो कौन है? बैक्टीरिया है, ज्यादा वही होते हैं. इसलिए अपन जब भी बात करते हैं प्रोकैरियोट की तो बैक्टीरियल सेल को अपन एग्जांपल में ले लेते हैं. तो बैक्टीरिया में ग्रेटली वेरी इन शेप एंड साइज. द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरुला. तो बैक्टीरिया में डिफरेंट शेप होते हैं, इसलिए शेप के बेसिस पे उनको अपन ने मेनली चार ग्रुप में डिवाइड किया है. तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बना भी लेना बेटा. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है उनको चार ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. ये कॉपी में नोट कर लेना, ये एक्स्ट्रा. देखो बेटा, मेंशन किया ना एनसीईआरटी ने, बेसिलस. तो जो बेसिलस होते हैं उनकी शेप कैसी होगी? रोड से ऐसे होते हैं बेटा बेसिलस. से बताओ आप कैसी है ये? रोड, रोड से. ओके, अगला ग्रुप जो है वो है देखो बेटा कोकस. जो कोकस है, कोकस सिंगुलर हो गया, कोकाई प्लूरल हो जाते हैं, कोकस ही होंगे बेटा. तो बताओ शेप कैसी है? स्फेरिकल. अगला ग्रुप देखो बेटा विब्रियो. विब्रियो उनकी शेप होती है ये वाली बेटा, इसको बोलेंगे अपन कोमा शेप. कैसे हैं ये? कोमा शेप. नेक्स्ट स्पाइरिलम. स्पाइरिलम ऐसा होगा बेटा, देखो स्पाइरल डायग्राम मैंने बना दिया, इसको मेंशन भी कर लेना था कि याद रहे. तो बताओ इसकी शेप कैसी है? स्पाइरल. सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन ग्रुप्स. दीज आर बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम. इज दैट क्लियर? शेप याद रखनी है, बेसिलस रोड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल. और देखना जनरली बैक्टीरिया के जो नेम है उनमें शेप मेंशन की जाती है, जैसे बेसिलस एंथ्रेक्सिस, बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस थुरिंजियनसिस, ये काफी सारे नाम आएंगे. कोकस में आएगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस. तो स्ट्रेप्टोकोकस में आ गया तो कोकस से समझ जाओगे इसका मतलब बैक्टीरिया की बात कर रहे हो. जैसे विब्रियो कोलेरी डिजीज करता है कोलेरा, तो उसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी. तो काफी सारी बातें आएंगी, आगे स्टडी करेंगे अपन. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंग अपन ने बात कर ली. इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है. अब यहां पर अपन बात करने वाले हैं बेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को यहां पर एक्सप्लेन कर दो. आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉपर्टीज यहां पर इंक्लूड हो जाएंगी, वेरी सिंपल. तो अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन करना है तो कौन से स्ट्रक्चर ले लें? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर ले लेते हैं, टिपिकल बैक्टीरिया की स्टडी कर लेते हैं. ओके, तो ये बना लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. अब यहां पर मैं एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाला हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, समझ लिया तो आगे का जो अपन कंटेंट लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का जो एनसीईआरटी में दिया पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा. तो यहां पर किसकी स्टडी कर लें बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया. ओके, एक ऐसा बैक्टीरिया अपन यहां पर ड्रॉ करेंगे जिसमें सारे करेक्टर हैं. डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर होते हैं, अपन क्या करेंगे सबको एक में ही इंक्लूड कर देंगे ताकि आपकी एनसीईआरटी के टॉपिक सारे उसी से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो अब बताओ बेटा, एक मैं सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाला हूँ, ड्रॉ करने वाला हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सेल में क्या होता है आप बताओगे? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. बताया था मैंने, विदाउट सेल मेम्ब्रेन नो वन सेल कैन एग्जिस्ट. अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन. तो वहीं से स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, वहीं से अपन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे. दैट इज द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन. ओके, एंड वी नो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल, सेलेक्टिवली
permeable that differentiate the external environment from its internal environment because it is selectively permeable. ये selective nature की है कि कौन enter होगा कौन exit होगा वो depend किस पे करेगा the nature of the selectivity of plasma membrane. Is that clear? तो सबसे पहले आपने क्या draw किया है the cell membrane. In bacteria cell membrane is surrounded by a thick rigid and permeable cell wall outside the cell membrane that is thick rigid and tough non elastic nature mein kya hogi beta ye non elastic ye jo main draw kar raha hu beta ye hai cell wall outside the cell membrane स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से क्लियर करना बेटा क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को अपन डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं. ये स्ट्रक्चर मैंने देखो तभी यहां पर ड्रॉ की है ताकि एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट जो अपन एक्सप्लेन करते रहे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे. तो देखो ये सेल मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में क्या है बेटा ये रिजिड है एंड थिक है. तो सेल वॉल होती क्या है बेटा थिक एंड रिजिड. क्लियर. तो इनको अपन लेबल कर देते हैं. ये देखो ये तो बताई मैंने क्या सेल मेम्ब्रेन दैट इज सेल वॉल. क्लियर. एंड सम बैक्टीरिया आउटसाइड द सेल वॉल स्पेसिफिक लेयर आल्सो प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स जस्ट आउटसाइड द सेल वॉल. तो यहां ग्लाइकोकैलिक्स को भी मेंशन कर देते हैं. ये देखो इसके आउटसाइड जो है ये वाली जो लेयर है बेटा ये आउटसाइड द सेल वॉल दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स जस्ट आउटसाइड द सेल वो. तो इसको लेबल कर देते हैं अपन दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट दैट इज आउटर मोस्ट लेयर. ओके तो यहां देखो सीक्वेंस आ गया आउटसाइड ग्लाइकोकैलिक्स इनसाइड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. तो आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंस क्या बोलोगे ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. दीज थ्री layers these three layers are collectively called bacterial cell envelope. These are called bacterial cell envelope. Okay so we can see that bacterial cell envelope consists three layers glycocalyx cell wall and cell membrane. These are collectively एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव यूनिट. तीनों का मिलकर क्या काम है बेटा ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे बट ऑल्सो परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस. सेल वॉल का अलग फंक्शन होगा मेम्ब्रेन का अलग होगा ग्लाइकोकैलिक्स का अलग होगा और तीनों लेयर को आपको डिटेल में स्टडी करना है. यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट इनकी बात करेंगे लेकिन एक बार स्ट्रक्चर को आप फोकस कर लें उसके बाद इनको अपन एक एक करके स्टडी करते हैं. ओके तो ये हो गया आपका लेयरिंग की बात कर ली. अब अंदर आ जाओ जो बैक्टीरिया उसके अंदर देखो ये जो स्पेस है अंदर इन साइड द सेल मेम्ब्रेन That is called cytoplasm. ये वाला एरिया इसको क्या बोलोगे cytoplasm. And we know cytoplasm is the main arena of metabolic activities. Mainly जो metabolic activities होती हैं वो किसमें perform होती हैं बेटा Inside the cytoplasm. Okay? अब अंदर आओ बेटा जो आपका cytoplasm है उसमें देखो कुछ main structures होती हैं जैसे important है अभी मैंने बताया था bacteria जो है उसमें जीनोम होगा दैट इज बैक्टीरियल जीनोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैं लेबल कर रहा हूं बेटा ये कौन है जीनोम बैक्टीरियल जीनोम. इसको ही बोल देते हैं बेटा जीनोफोर एक ही बात है जीनोफोर. इसी को बोल देते हैं बैक्टीरियल क्रोमोजोम. बैक्टीरियल क्रोमोजोम है बेटा प्रिमिटिव टाइप का क्रोमोसोम है नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और यही तो है आपका न्यूक्लियोइड. इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन न्यूक्लियोइड. प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. ये टर्म सारी याद रखनी है बेटा एक करके आएंगे मैं सब एक्सप्लेन करूंगा. अब देखो आपके सामने बेटा ये जो न्यूक्लियोइड है जो क्रोमोजोम है जीनोफोर है क्या कौन है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये मेंशन कर दूं दैट इज सर्कुलर डीएस डीएनए. ये क्लियर लेबलिंग दिख रही है ना बेटा आपको सर्कुलर डीएस डीएनए और एक ही होता है बेटा
मेन जीनोम जो है उसका नंबर एक है, तो इसको बोल सकते हैं इट इज सिंगल सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, इसके स्ट्रक्चर वगैरह सारी प्रॉपर्टी बाद में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, ये डीएनए है तो बैक्टीरिया में आरएनए भी होंगे बेटा, डीएनए से आरएनए बनता है। ये कौन है बेटा? आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सारे आरएनए प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया में देखो बेटा, ये कुछ पार्टिकल्स हैं, दीज आर राइबोसोम्स एसोसिएट, ऑल्सो एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कौन है बेटा ये? 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। सो बैक्टीरिया में बेटा प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल्स जो हैं एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट द राइबोसोम, राइबोसोम के अलावा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन प्रोकैरियोट्स सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम, क्लियर। ये सारे पॉइंट आएंगे एक एक करके। अब देखो बेटा, जो प्रोकैरियोट है, जो बैक्टीरिया है, उसमें ये जो आपकी मेम्ब्रेन दिख रही है बेटा, ये वाली मेम्ब्रेन यहां पर देखो, यहां इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर कौन सी है? मीजोसोम, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसे स्टडी करेंगे। इसके अलावा देखो बेटा, कुछ और स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेनस, अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो इनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, ये भी आएगा क्रोमेटोफोर, ओके। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दोज कंसिस्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सारे जो मैं लेवल कर रहा हूं वो एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे अभी अपन, ओके। इसके अलावा देखो बेटा, बैक्टीरिया में कुछ रिजर्व मटेरियल्स होते हैं बेटा, जो पार्टिकल्स को स्टोर कर लेते हैं। दीज रिजर्व मटेरियल्स, रिजर्व बॉडीज आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज। क्या बोलेंगे इनको बेटा? इंक्लूजन बॉडीज, ये रहा बेटा इंक्लूजन बॉडीज, और ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये सब स्ट्रक्चर आने वाले हैं बेटा, सब एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब देखो आगे चलते हैं, कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा देखो प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं, मैंने बताया था ना अभी, ये जो मेन जीनोम है दिख रहा है, दैट इज द मेन जीनोम, मेन क्रोमोसोम, एंड आउटसाइड द मेन क्रोमोसोम मेनी बैक्टीरिया कंसिस्ट ए स्मॉल सर्कुलर, दैट इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। ये कौन है बेटा? ये वाला, ये प्लाज्मिड, इसकी भी स्टडी करनी है आपको, प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड ऑल्सो फाउंड इन द बैक्टीरिया, हो जाएगा ये। इसके अलावा देखो बेटा, ये बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर में एक लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होती है बेटा इस तरह से, जिसको अपन बोलते हैं फ्लेजिला, फ्लेजिला, इट इज अ सरफेस स्ट्रक्चर हेल्प इन मोटिलिटी। इसके अलावा बैक्टीरिया में बेटा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी हो सकती है, ये रहा, ये देखो ट्यूबुलर दिख रही है आपको, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इनको अपन बोलेंगे पिली, स्टडी करेंगे इसकी भी, पिली हेल्प इन कॉन्जुगेशन। एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो सम ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा देखो बेटा, दिख रही है ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड द बैक्टीरियल सेल, पूरी सरफेस पे होते हैं, दीज आर द ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, इनको अपन बोलते हैं फिम्ब्री, हेल्प इन अटैचमेंट। फिम्ब्री का रोल किसमें बेटा? अटैचमेंट में। तो जो भी मैंने लेबलिंग की है, ये आपको यहां पर ये बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, बट फंक्शनली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके। तो ये जितने भी मैंने लेबलिंग किए सबको एक एक करके यहाँ पर स्टडी करना है आपको, अभी पूरा कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, और अब इस स्ट्रक्चर को अपन एक्सप्लेन करते हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी में है द प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो भी मैंने लेबल किया है उनको एक एक करके अपन डिटेल में स्टडी करेंगे विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ओके। इसको ड्रॉ करो पहले बेटा, अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम आपके सामने रहेगा तो मैं बार बार जो उसकी बात करूंगा, कि इसमें देखो अपन ने ये मेंशन किया था इसकी फंक्शन स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, ओके क्लियर, बनाओ इसको, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, एक एक करके सबको अपन स्टडी करते हैं। देखो स्टेटमेंट बड़ा प्यारा आ गया फिर से आपके एनसीईआरटी का, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दू प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के, माइकोप्लाज्मा, उनका जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर वो सेम है, लेकिन उनके जो शेप है, उनकी जो फंक्शनिंग है, उनमें काफी वेरिएशन है,
वो सब स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखो उस प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में लेंगे। तो कहानी स्टार्ट करेंगे अपन सेल एनवलप एंड मॉडिफिकेशंस। अभी बताया था मैंने, डायग्राम देखो आपने मेंशन किया है सेल एनवलप एंड मॉडिफिकेशन। तो जो सेल एनवलप है उसमें क्या कैरेक्टर है, उसके क्या मॉडिफिकेशन है, बड़ा सिंपल है। देखो बेटा, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की तो बात की थी अपन ने, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। अभी बताया था सेल एनवलप, द सेल एनवलप कंसिस्ट टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। कितनी लेयर बताई थी बेटा, थ्री लेयर्स बताई हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। द ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट फॉलोड बाई सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दो, ईच सेल ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन उनके, बट दे एक्ट टूगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अभी डायग्राम देखना बेटा, उसमें तीनों मिलकर क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही हैं, बट उनके फंक्शंस क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, जो अपन स्टडी करेंगे। तो यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स। अब आप बताओगे बेटा मुझे, ग्लाइकोकैलिक्स में बोल सकता हूं आउटर मोस्ट लेयर। ये सारे पॉइंट है बेटा, मेंशन कर लेना साथ साथ इनको, आउटर मोस्ट लेयर। ओके, और जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा वो किसकी बनी है कंपोजिशन, कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड हैंग होंगे तो आपको पता है ना बेटा ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो ये स्टिकी नेचर की होती है बेटा, स्टिकी। क्लियर, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया, इट कुड बी लूज sheath called slime layer in some, while other it may be thick and tough called the capsule. Clear? तो इसके अगर मैं बात करूं तो देखो ये दो टाइप की है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप है, यही मेंशन कर दूं। ग्लाइकोकैलिक्स एक तो होता है बेटा कैप्सूल, देखो मेंशन किया है थ्योरी में कैप्सूल, और दूसरा है स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल है वो देखो थ्योरी में लिख रखा है ना थिक, थिक ग्लाइकोकैलिक्स, और कैसा होता है टाइट, और स्लाइम लेयर कौन होगी बेटा, थिन एंड लूज शीथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो थिक ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड कैप्सूल एंड थिन ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। ठीक है, इतना ही है, दो दो पॉइंट आएंगे हर टॉपिक के। आउटर मोस्ट लेयर Not found in all bacteria, found in some bacteria. सब में नहीं होगी ग्लाइकोकैलिक्स, essential नहीं है, लेकिन जिसमें होगी उसको protection provide करवाएगी, वो ज्यादा क्या होगा, resistant होगा। Clear? Sticky nature की होती है, और इसका function क्या है, help in protection. क्या करती है बेटा ये ग्लाइकोकैलिक्स, help in protection. जैसे आपका कोई bacteria है बेटा, अगर अपनी body में चला गया तो उसको macrophage से protect करवा देगा ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अलावा antibiotics, इसके अलावा आपका जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, बैक्टीरियोफेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, अगर ड्राइनेस एनवायरनमेंट में ड्राई कंडीशंस हैं तो भी प्रोटेक्ट कर देगा ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि स्टिकी नेचर का है, उसमें आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ड्राइनेस से भी उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो आप समझ सकते हो जिस बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स है वो ज्यादा क्या होगा बेटा, हार्मफुल होगा, पैथोजेनिक होगा, एंटीजेनिसिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इन्फेक्शियस होगा, क्या होगा, हार्मफुल। एग्जाम्पल आएंगे कभी, मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ोगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरिया है बेटा, उसकी एस स्टेन होती है जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स है, लेकिन वो आगे की बात है। तो यहाँ आपको इतना ही समझना जितना मैंने बताया, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स को आप कर लोगे कंप्लीट, इसके बाद देखो आगे चलते हैं, छोटे छोटे टॉपिक आएंगे बेटा, कुछ नहीं है इनमें। बैक्टीरियल सेल वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के भी मैंने बात की थी, क्या होती है, सारी बातें करेंगे अपन। बैक्टीरियल सेल वॉल सारे स्टेटमेंट में यहां पर मेंशन करूंगा, थिक रिजिड नॉन इलास्टिक, और सेल वॉल की नेचर होती है बेटा, याद रखना सेल वॉल कैसी होती है, हमेशा डेड सेल वॉल, डेड होती है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। ओके, डेड, और ये होती है बेटा परमिएबल,
सेल वॉल हमेशा क्या रहेगी, परमिएबल, बट सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल की मैंने नेचर बताई। अब देखो बैक्टीरियल सेल वॉल में इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, कंपोजिशन। बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टिडो ग्लाइकेन, याद रखना है बेटा, कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन, और इसी को बोल देते हैं म्यूरिन, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। कर लोगे? पेप्टिडोग्लाइकेन एक्चुअल में होता क्या है बेटा, कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल है, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड्स। एंड अमीनो एसिड्स, सो वी कैन से दैट बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड, दैट इज दोज आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना है, कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब होता क्या है पेप्टिडोग्लाइकेन में, सारी बातें करते हैं, समझना बेटा, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, घबराना नहीं है। ये देखो बेटा यहां पर ये मैं मेंशन कर रहा हूं, पेप्टिडो ग्लाइकेन, इसमें दो पार्ट है बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन में, एक तो पेप्टाइड, देखो नाम से पता लग रहा है पेप्टाइड, पेप्टाइड में क्या होते हैं अमीनो एसिड, तो यहां पर होती है टेट्रा पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड में क्या होते हैं बेटा, फोर अमीनो एसिड्स, ओके। और दूसरा पार्ट है आपका ग्लाइकेन, नाम आ रहा है ना बेटा ग्लाइकेन, ग्लाइकेन का मतलब होता है याद रखना पॉलीसेकेराइड, और यहां पर होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, बिकॉज इट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स, दैट इज हेटेरो पॉलीसेकेराइड, जिसमें दो यूनिट है बेटा, दोनों को समझा देता हूं, एक तो है नाम और दूसरा है नाग, उसमें कौन कौन सी यूनिट है, नाम एंड नाग। अब दोनों को मेंशन कर दो बेटा, नाम का मतलब क्या है, देखो नाम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, ये याद रखना है बेटा आपको, नाम एंड नाग। अभी जो नाम और नाग है बेटा, उनके बीच में होता है बॉन्ड, ये आपस में ज्वाइन होते हैं नाग एंड नाम, तभी तो पॉलीसेकेराइड बनेगा, तभी तो लेयरिंग होगी, तभी सेल वॉल बनेगी। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो होता है बेटा, याद रखना है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाग एंड नाम। ऐसे नाम और नाग काफी सारे होंगे, तब जाके आपका एक पॉलीसेकेराइड चेन बनेगी, क्लियर। और उनकी जब लेयरिंग होगी तब आपका क्या हो जाएगा, सेल वॉल बन जाएगी। और याद रखना नाम और नाग जो है अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं, नाम नाग फिर नाम फिर नाग, इस तरह से अल्टरनेटिव फॉर्म में उनका कॉम्बिनेशन होगा। कर लोगे? तो ये सेल वॉल का कंपोजिशन हो गया, कि सेल वॉल किसकी बनी है, देख लो पेप्टिडोग्लाइकेन, इसमें पेप्टाइड है और नाग और नाम है। अब देखो यहाँ पर एक हल्का सा वैसे डायग्राम बना देता हूँ, ज्यादा कोई काम का नहीं है लेकिन समझ लेना। यहाँ देखो ये नाग और नाम जो होते हैं बेटा, इस तरह से ये ऐसे लेयर बनाएंगे, नाग और नाम की लेयरिंग होगी, ये बहुत सारी पॉलीसेकेराइड चेन होंगी, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा, नाम है नाग है फिर नाम है फिर नाग है, इस तरह से नाग नाम नाग नाम, तो ये यूनिट्स प्रेजेंट है। ये केवल कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं है ना, केवल समझना है, ओके। एंड दीज पॉलीसेकेराइड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू द टेट्रापेप्टाइड चेन, सो टेट्रापेप्टाइड चेन एक्ट एज क्रॉस लिंकर। ये कौन, ये क्रॉस लिंकिंग का काम कौन करेगा बेटा, ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है दैट इज टेट्रापेप्टाइड, तो टेट्रापेप्टाइड का फंक्शन समझ में आ गया, क्रॉस लिंक बिटवीन द डिफरेंट पॉलीसेकेराइड चेन्स, क्लियर, दैट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल। फाइनली वी कैन से दैट बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, एंड पेप्टिडोग्लाइकेन कंसिस्ट पॉलीसेकेराइड्स एंड द अमीनो एसिड्स, इस तरह से सेल वॉल बनेगी। बात समझ में आ गई बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। और ये जो टेट्रापेप्टाइड की जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है बेटा, ये वाली क्रॉस,
फिर कह रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझें, एक दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्रॉस लिंकिंग जो है उसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज एंजाइम। तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग करवाएगा, और क्रॉस लिंकिंग जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उनको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये समझ में आ गई होगी, दो बॉन्ड बताए मैंने बेटा, एक तो हो गया आपका बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन नाग एंड नाम, और एक हो गया आपका ये पेप्टाइड बॉन्ड जो क्रॉस लिंकिंग में हो रहा है, तभी तो सेल वॉल बनेगी। तो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट हैं बेटा आपके, यही मेंशन कर देता हूं। आपने कभी नाम सुना होगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है बेटा एक एंजाइम है, लाइसोजाइम इज एन एंजाइम जो क्या करता है, सेल बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है। लाइसोजाइम इज बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेकर एंजाइम, ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल, ये मेंशन कर लेना कॉपी में बेटा, दैट कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो बेटा लाइसोजाइम जब भी आएगा तो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो भी बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उनको ब्रेक कर देगा, बैक्टीरियल सेल वॉल क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी, बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, अपने आईज में होता है बेटा। लाइसोजाइम ऑल्सो कॉल्ड टीयर एंजाइम, फाउंड इन अवर आईज, जो अपने टीयर्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपकी आईज जो है उनमें डायरेक्टली एयर वाटर डस्ट जाती रहती है, बैक्टीरिया जाते हैं, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। क्लियर। एक और देखो बेटा, एक होता है आपका पेनिसिलिन, ये सब पता है बेटा, एक बार डिस्कस कर रहा हूं मैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कौन होती है बेटा, ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन क्या करती है बेटा, याद रखना, पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगी, बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होने देगी तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। ये क्या है बेटा, सेल वॉल इनहिबिटर, पेनिसिलिन इज बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर, जो बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी। लाइसोजाइम सेल वॉल ब्रेकर एंड पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर, कर लोगे तो सेल वॉल पे क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं। और पेनिसिलिन को भी अपन यूज करते हैं टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया बॉडी में तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दो, वो जाएगी बैक्टीरिया में और सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगी, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया आगे डेवलप नहीं हो पाएगा, आगे अपनी प्रोजेनी नहीं बना पाएगा, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं करेगा तो अपन सही हो जाएंगे, क्योर हो जाएगा। तो दैट इज एंटीबायोटिक, लाइसोजाइम इज एन एंजाइम। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है, ये कर लोगे कवर सारा बेटा। तो सेल वॉल को थोड़ा सा बताया कि सेल वॉल किसकी बनी है, तो ये आपको याद रखना है, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल के जो फंक्शंस हैं बड़े सिंपल हैं। देखो, सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल, उसकी शेप को डिटरमाइन करेगी, रिजिड है ना तो शेप को क्या करेगी, डिटरमाइन कर देगी। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी और जो बैक्टीरिया है उसको ब्रस्ट होने से भी प्रिवेंट करेगी और कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगी, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। इसके अलावा जो सेल वॉल है वो एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करवाती है बेटा, प्रोवाइड एंटीजेनिसिटी, ओके, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, इन्फेक्शन में हेल्प करती है, एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल के क्या हो गए बेटा, फंक्शंस हो गए, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें, और क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में आ ही जाएगा, कर लोगे। अब देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवलप एंड मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड अदर दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इसको लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए काफी चीजें बात करेंगे। तो बैक्टीरिया जो है बेटा, जो बैक्टीरिया है उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ये रहे देखो, अभी यही तो मेंशन किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, किस बेसिस पे, जो बैक्टीरियल सेल एनवलप है उसमें जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे उनको अपन ने जो है दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, लेकिन किस बेसिस पे, देखो स्टेनिंग प्रोसीजर, इसलिए आपको स्टेनिंग प्रोसीजर यहां पर समझना पड़ेगा। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको स्टेनिंग प्रोसीजर समझाऊंगा, उसके बाद में जो है अपन बात करेंगे आगे की। तो ग्राम स्टेनिंग जो है बेटा एक टेक्निक होती है, इट इज ए टेक्निक डेवलप्ड बाई
क्रिश्चियन एच सी ग्राम, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, क्रिश्चियन ग्राम, उसने इस टेक्निक को डेवलप किया था। और इस टेक्निक का यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू स्टेन द बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें कुछ डाइज काम में लेते हैं, स्पेसिफिक डाइज, लाइक देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर बैक्टीरिया को स्टेन करना है तो आपको डाई यूज में लेनी पड़ेगी। और डाई जो है वो यहां पर जो अपन यूज में लेने वाले हैं उन डाई के नाम लिख रहा हूं मैं, ये याद रख लेना। एक तो लेते हैं अपन इसमें आयोडीन, पहले सीक्वेंस ले लेते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, और एक यूज करते हैं लास्ट में सैफ्रानिन। दीज आर द स्पेसिफिक डाई, दोज आर यूज टू स्टेन द बैक्टीरिया, और इनके बेसिस पे अपन बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में काम में लेते हैं बेटा डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइजिंग एजेंट, जैसे यूज में ले सकते हो एल्कोहल और एसीटोन, ठीक है। और ये टेक्निक क्या है, उसमें क्या प्रोसीजर काम में लेते हैं, बड़ा सिंपल है, एक बार उसको मैं ब्रीफ कर देता हूं। इसमें करते क्या है, जैसे आपको पता करना है बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, ये लो बेटा, ये आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, समझना, इसमें आपने बैक्टीरियल सैंपल ले लिया, फिर अपन इसकी ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे। तो क्या करना है, एक लेंगे अपन बेटा स्लाइड, ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड जानते हो ना, ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये जो सैंपल है इस ग्लास स्लाइड पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहां पर ये सैंपल एक कॉर्नर पे अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ओके, बैक्टीरियल सैंपल, क्लियर। अब इसको अपन पहले क्या करेंगे, हीट फिक्स करेंगे, इसको हीट देंगे ताकि ये बैक्टीरिया डेड हो जाए और स्लाइड पे फिक्स हो जाए, इसको बोलेंगे स्मीयर। स्मीयर अपन ने प्रिपेयर कर लिया, अब इनके ऊपर डाई काम में लेंगे। अब इस स्लाइड पे सबसे पहले तो अपन डालते हैं बेटा सीवी, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट के बाद इसमें डालेंगे अपन आयोडीन आई। क्रिस्टल वॉयलेट जो है उस पर देखो चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज होगा ना, इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपस में क्या करेंगे, बाइंड होंगे। तो जैसे ही सीवीआई ऐड करोगे तो ये आपस में क्या करेंगी, सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनाएंगी बेटा, सीवीआई कॉम्प्लेक्स, सीवीआई कॉम्प्लेक्स, और जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स वो बैक्टीरियल सेल वॉल में एंटर हो जाता है बेटा। तो सीवीआई कॉम्प्लेक्स देखो टाइमिंग का बड़ा रोल होता है बेटा, सीवी डालेंगे स्लाइड पे 30 सेकंड के लिए, आयोडीन डालेंगे 30 सेकंड के लिए, उसको फिर वॉश आउट कर देंगे, सीवीआई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, उसको एल्कोहल से वॉश करेंगे, स्लाइड को किससे, एल्कोहल से, एल्कोहल इज द डीकलराइजिंग एजेंट। एल्कोहल को वॉश से वॉश करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो जो बैक्टीरिया आपको कलरफुल दिखाई देंगे, कलर्ड, वो तो होंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया आपको कलरलेस दिखाई देंगे, कलरलेस, उसको अपन ने डिफरेंट किसमें कैटेगराइज कर दिया, ग्राम नेगेटिव। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर मैनर बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव दोज रिटेन द कलर, रिमेन कलर्ड आफ्टर द यूज ऑफ एल्कोहल, बट दीज बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द कलर आफ्टर द यूज ऑफ एल्कोहल, ओके, दीज आर ग्राम नेगेटिव, दीज आर ग्राम पॉजिटिव। तो ये टेक्निक को मैंने ब्रीफ कर दिया, इसके अकॉर्डिंग अपन यूज कर रहे हैं, डिटेल में नहीं है टेक्निक, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले क्या काम लोगे, सीवी, उसके बाद में आयोडीन डाल दोगे, सीवीआई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सेल वॉल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और सेल वॉल की प्रॉपर्टी है अगर एल्कोहल उसको वॉश आउट कर देगा तो ग्राम नेगेटिव होगा, नहीं कर पाएगा तो ग्राम पॉजिटिव होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इसको मैंने एक बार ब्रीफ कर दिया, अब इसके बाद सीधा अपन आते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो पहले मैं आपको थोड़ा समराइज करता हूं कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल कैसी होती है। देखो ये तो है आपका सेल मेम्ब्रेन, दिख रहा है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये है सेल वॉल, तो ये तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल देखो बेटा थिक है,
ऑब्वियसली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. अभी बताया था ना वो पॉलीसेक्राइड लेयर होती है, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, देखो क्रॉस लिंकिंग भी दिखा रखी है. ओके, तो दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन. यहाँ ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें तो इसको पूरा आपको बनाना है बेटा कॉपी में. यहाँ पर ये तो होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये वाली सेल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बोले तो सेल मेम्ब्रेन. इसके बाहर देखो यहाँ पर है ये वाला पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर भी है पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर कम अमाउंट में है. और यहाँ पर होती है एक और लेयर होती है लिपिड बाई लेयर, जिसको अपन बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन. और ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, सेल वॉल बना रही हैं. तो आप खुद देखो बेटा ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल है ये रही सेल वॉल, वो सिंगल लेयर्ड है. और ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आ गई और दूसरी एलपीएस लेयर, यही तो है आपकी, दैट इज कॉल्ड एलपीएस, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर. बात समझ में आ रही होगी बेटा, बहुत इजी है. देखो यहां एक बार फिर से बताता हूं आपको डायग्राम में. ये देखो ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर ये थिक, शॉर्ट में बता रहा हूं, ये कौन है सेल वॉल, सिंगल लेयर. लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या है बेटा, देखो ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक तो ये है पेप्टिडोग्लाइकन और एक और होती है इसके साथ वेवी जो होती है एलपीएस, ये दोनों मिलकर क्या करती है सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रही है. तो आप बताओगे मुझे जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें सेल वॉल कैसी है, सिंगल लेयर्ड, और ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल कैसी है बेटा, डबल लेयर्ड. सेल वॉल हैज लेस लिपिड कंपोनेंट, ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंपोनेंट बहुत कम होता है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंपोनेंट बहुत हाई होता है. क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल में एलपीएस है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है. सेल वॉल इज मोर हार्ड, यहाँ सेल वॉल जो है सिंगल लेयर्ड है लेकिन थिक है, हार्ड है, वहां पर सेल वॉल डबल लेयर्ड है बट थिन है और हार्ड नहीं है, लूज है. म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड, देखो यहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन 70-80% है लेकिन यहाँ पर कितना बेटा 10-12%, ये डिफरेंस है सारे, ये डिफरेंस आपको लेबल करने पड़ेंगे. यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन देखो ये वाला पोर्शन पेप्टिडोग्लाइकन है, कितना है 70-80%, यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम अमाउंट में, ये तो है पेप्टिडोग्लाइकन 10-12%, और बाकी ये कौन है एलपीएस लेयर. अगला देखो बेटा टीकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है लेकिन ग्राम नेगेटिव में टीकोइक एसिड नहीं होता, याद रहे तो कर लेना, नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसल बॉडी, अभी बेसल बॉडी फ्लेजिला की बात करेंगे तो जो फ्लेजिला है पॉजिटिव में भी होगी नेगेटिव में, लेकिन जो पॉजिटिव है ग्राम पॉजिटिव उसकी फ्लेजिला की बेसल बॉडी में दो रिंग होंगी और नेगेटिव में चार रिंग होंगी, आ जाएगा समझा दूंगा. एलपीएस किसमें प्रेजेंट है आपके सामने है, ये रहा एलपीएस, ग्राम नेगेटिव में एलपीएस होती है, ग्राम पॉजिटिव में एलपीएस एब्सेंट होती है. और एलपीएस बड़ी खतरनाक होती है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, जो एंटीजेनिक है, ठीक है. एलपीएस की प्रेजेंस की वजह से ग्राम नेगेटिव बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं. तो ये डिफरेंस हो गए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, आपको सारे डिफरेंस मेंशन करने पड़ेंगे बेटा. तो फाइनली आपको समझ में आ गया कि ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी सेल वॉल केवल किसकी बनी है पेप्टिडोग्लाइकन, ये रहा थिक है, और यहाँ पर जो सेल वॉल है बेटा इसमें दो पार्ट हो गए, देखो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल, क्लियर. एक तो है पेप्टिडोग्लाइकन पार्ट, ये रहा पर्पल कलर वाला, और ये जो है ये है एलपीएस लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर. और यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ग्राम नेगेटिव है उसमें एलपीएस है तो उसमें होते हैं पोरिन्स, ये पोरिन जिनकी हेल्प से जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो एंटर हो जाते हैं. तो पोरिन्स किसका करेक्टर है बेटा, पोरिन्स, पोरिन किसमें होते हैं ग्राम नेगेटिव में, पॉजिटिव में पोरिन नहीं होते. तो ये डिफरेंसेज हैं आपके सामने है, जो मैंने आपको बता दिए समझा दिए कवर कर दिए. ओके, अब आगे चलते हैं. देखो अब मीजोसोम पे आते हैं, सेल वॉल की काफी बातें हो गई, अब नेक्स्ट बताया था मैंने मीजोसोम. तो जो मीजोसोम है वो क्या है, देखो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये आपका बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर कौन है सेल वॉल. तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें हो जाती है बेटा इनफोल्डिंग, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोसोम. वेरी वेरी सिंपल, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीजोसोम विच फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मीजोसोम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोट. मीजोसोम इज नॉट ए सेल ऑर्गेनल बेटा, बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनल केवल कौन है, केवल राइबोसोम है सेल ऑर्गेनल, इसके अलावा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता. बैक्टीरिया लैक सेल ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोट्स लैक ऑल सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट राइबोसोम, इसके अलावा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, याद रखना इस पॉइंट को. दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल लेमिली, ये जो एक्सटेंशन बनते हैं वेसिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूलर भी हो सकते हैं, और इस तरह से लेमिली फॉर्म में भी हो सकते हैं. दीज आर द मीजोसोम्स, क्लियर. सो मीजोसोम आर द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बट नॉट कंसिडर्ड एज द सेल ऑर्गेनल. ये केवल मेम्ब्रेन जो है उसका एक्सटेंशन हो गया साइटोप्लाज्म की ओर, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा. फंक्शन की बात करें तो देखो मीजोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन,
ये फंक्शन याद रखने पड़ेंगे। मिजोसोम जो है सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्लियर। मिजोसोम हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। डीएनए रेप्लिकेशन होगा बेटा बैक्टीरिया में, तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी कौन हेल्प करेगा? मिजोसोम। ये ना डीएनए, यहाँ डीएनए होता है, तो मिजोसोम क्या करेगा? रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर देगा, तो रेप्लिकेट होगा तो डीएनए दो बन जाएंगे और फिर ये डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डॉटर सेल्स। दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद सब याद रखने, हेल्प इन रेस्पिरेशन। मिजोसोम हेल्प इन रेस्पिरेशन कौन सा बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जो मिजोसोम है उसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पढ़ोगे कभी आगे आएगा, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो मिजोसोम हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तभी तो बोल देते हैं जो आपका मिजोसोम है वो क्या है बेटा? एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मिजोसोम भी किसमें हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में, क्लियर। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया के, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, होमोलोगस नहीं है, एनालॉगस है, बिकॉज दे आर फंक्शनली सिमिलर नॉट स्ट्रक्चरली सिमिलर। सीक्रेशन में हेल्प करेगा बेटा, इसके अलावा सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली एंजाइम कंटेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मिजोसोम, याद रखने एज इट इज, चेंज ही मत करना बेटा, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट नीट में। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन, सीक्रेशन प्रोसेस, इंक्रीज द सर्फेस एरिया, ये रहा, एंड ऑल्सो इंक्रीज द एंजाइम कंटेंट। तो ये मिजोसोम की बात होगी, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा क्रोमेटोफोर, वेरी वेरी सिंपल। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। इनमें अभी स्ट्रक्चर में मैंने मेंशन किया था, इनमें होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ये किसमें होंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट है बेटा? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो किसमें हेल्प करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस में, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे ट्रैप द लाइट एनर्जी दैट इज यूजफुल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो किसमें होंगे? ये साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब आती है बेटा बात बैक्टीरियल जीनोम की। देखो स्ट्रक्चर में बताया था बैक्टीरियल जीनोम, आप बताओगे बैक्टीरियल जीनोम कौन होता है बेटा? बैक्टीरियल जीनोम सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक्ट एज बैक्टीरियल जीनोम, और स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, बताया था अभी, स्टोन एब्सेंट। तो कैसा होता है ये? नेकेड। और कहां मिलेगा ये जीनोम? इन साइटोप्लाज्म। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यही तो बताना था, फाउंड इन साइटोप्लाज्म। कर लोगे बैक्टीरियल जीनोम? बताया, ये स्ट्रक्चर बताई थी, याद करो बेटा, ये बैक्टीरिया और इसमें ये मेन जीनोम है, यही तो आपका बैक्टीरियल जीनोम, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट, नेकेड एंड सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल जीनोम कंसिस्ट वाइटल जीन्स फॉर द बैक्टीरिया, इसमें ही वाइटल जीन होती है, ठीक है। तो वाइटल जीन किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? बैक्टीरियल जीनोम में। ये लो मेंशन कर देता हूँ, वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट जीन, जो उसके सर्वाइवनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो प्लाज्मिड की बात आती है, वेरी वेरी सिंपल। देखो ये रहा प्लाज्मिड, इसी में बता देता हूँ, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड कौन होता है बेटा? ये रहा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बताया था, आउटसाइड द क्रोमोजोम, मेन क्रोमोजोम के अलावा, फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया। किसमें होता है बेटा? प्लाज्मिड फाउंड इन मैनी बैक्टीरिया, बट डज नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। बता चुका हूं बेटा, प्लाज्मिड डज नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज प्लाज्मिड लैक द वाइटल जीन, इसमें वाइटल जीन नहीं होती, बट ये यूनिक करेक्टर प्रोवाइड करवाएगा। लिख दूं, प्रोवाइड यूनिक करेक्टर टू बैक्टीरिया, लाइक रेजिस्टेंस,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज जो अपन स्टडी करेंगे अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा, तो ये प्लाज्मिडिक की बात भी होगी। अब आगे चलते हैं बेटा, देखो राइबोसोम पे चलते हैं। राइबोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइबोसोम प्रेजेंट होता है ओनली राइबोसोम एज ए सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोट। राइबोसोम के अलावा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होते, ठीक है। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम कौन सा होता है, डायग्राम बना दो 70S राइबोसोम, उसके बाद में स्टेटमेंट बड़े सिंपल है। तो यहां पर होगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है सुन लो बेटा, यही मेंशन कर रहा हूं बेटा, राइबोसोम इज ए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इसका बना होता है यही तो बताया बेटा, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का बना है। कौन सा आरएनए, आरआरएनए। इन प्रोकैरियोट्स 70S राइबोसोम इज फाउंड। कौन सा राइबोसोम होता है, 70S। ओके, यहां पर एस कौन होता है बेटा, याद रखना एस इज स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, दैट रिप्रेजेंट द सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, और ये डिपेंड करता है किस पे बेटा, डेंसिटी एंड मास पर। जिसकी डेंसिटी मास साइज ज्यादा होगी उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशियंट है वो भी क्या होगा, हाई होगा। जो 70S राइबोसोम उसकी स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये रहा 70S राइबोसोम, इसमें टू सब यूनिट्स होती है। ये देखो, ये तो है लार्ज सब यूनिट, ये वाली देखो बेटा लार्ज सब यूनिट जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है बेटा 50S, और ये है स्मॉल सब यूनिट, याद रख लेना इसको, स्मॉल सब यूनिट, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है बेटा 30S। जो लार्ज सब यूनिट है प्रोटीन सब यूनिट, उसमें देखो ये प्रेजेंट है आरआरएनए अंदर, ये तो है बेटा 23S आरआरएनए, और इसमें एक और होता है छोटा सा, इसको अपन बोलते हैं 5S आरआरएनए, और स्मॉल सब यूनिट जो है ये रहा, यहां पर होता है आपका 16S आरआरएनए। अभी याद कर लोगे आगे भी काम आएगा। तो ये स्ट्रक्चर होगी आपकी इसकी 70S राइबोसोम की, क्लियर करेक्ट। अब देखो इन प्रोकैरियोट राइबोसोम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायग्राम बनाया था बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये एसोसिएटेड भी हो सकते हैं ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। इनकी साइज कितनी है, 15 by 20 नैनोमीटर। तो राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स 50S एंड 30S। स्ट्रक्चर मैंने बना दिया विच आर प्रेजेंट टूगेदर फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का बेटा, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो यूकैरियोट में भी राइबोसोम स्टडी करेंगे, वहां पर डिटेल आ जाएगी फिर, क्योंकि राइबोसोम की स्ट्रक्चर डिटेल वगैरह सब वहां पे बताऊंगा, डिस्कवरी वगैरह सारी। यहां तो केवल आपको 70S की प्रॉपर्टी समझनी। ओके, अब देखो ये पॉइंट हो गया। अब एक स्टेटमेंट बड़ा प्यारा सा है, देखो एक कंडीशन है, जैसे राइबोसोम किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये देखो आपने कभी मॉलिक्यूलर पढ़ा होगा, ये एमआरएनए है, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए, तो ये जो कंडीशन है इसको अपन बोलते हैं पॉलीसोम, पॉली राइबोसोम, पॉलीसोम कंडीशन। ये मेंशन किया है ना, ये रहा सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म ए चैन कॉल्ड पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम। ये किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये बात होगी किसकी, आपकी राइबोसोम की। चले आगे, इंक्लूजन बॉडीज बिल्कुल सिंपल है, दो पॉइंट इसमें। इंक्लूजन बॉडीज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, देयर इज अ रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। स्टोरेज का काम करते हैं बेटा, बट नॉट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती कोई। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल याद रखने हैं इंक्लूजन बॉडीज के, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। कर लोगे, बड़ा सिंपल है, इंक्लूजन बॉडीज के एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है, फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट गैस वैक्यूल, देखो ये भी गैस वैक्यूल भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये फोटोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोट उनमें प्रेजेंट होती है, फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इस तरह से देखो ये बैक्टीरिया है, उसमें इस तरह से गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसमें कौन भरी होती है बेटा, गैस भरी होती है। बट ये ट्यूब वैक्यूल्स नहीं है बेटा, नॉट ट्यूब वैक्यूल, ये कौन होती है, फाल्स वैक्यूल, फाल्स वैक्यूल, क्लियर। मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है बेटा इनमें,
मेम्ब्रेन एब्सेंट, एक प्रोटीन लेयर होती है बट इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होगी। और गैस वैक्यूल क्या करेंगे बेटा, ये बायोन्सी में हेल्प करेंगे, वैसे इतना याद रख लेना। वैसे गैस वैक्यूल में गैस होगी तो क्या करेगी, प्रोवाइड द बायोन्सी टू द बैक्टीरिया एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द यूवी रेडिएशन। बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे। गैस वैक्यूल की बात होगी, देखो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है वैसे, इनको ऐसे फिनिश करना है। अब बैक्टीरियल सेल सरफेस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था डायग्राम में, देखो ये बैक्टीरिया मान लो गई, इसमें ये फ्लेजिला भी हो सकता है बेटा, ये पिली भी हो सकती है, और सरफेस पे क्या है बेटा, इब्रिस लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द फिम्ब्री। एक एक करके इनकी बात करते हैं अपन। ये लो, तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लेजिला की। फ्लेजिला कंपोज्ड ऑफ फ्लेजिलिन प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी बनी होती है, फ्लेजिलिन प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ फ्लेजिलिन प्रोटीन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन दैट फॉर्म द बैक्टीरियल फ्लेजिला। अब देखो बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी, बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर फ्लेजिला प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा, मोटाइल होगा, फ्लेजिला हेल्प इन मोटिलिटी, सिंपल सी बात, यही तो क्वेश्चन आता है। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, फ्रॉम देयर, ये जो सेल वॉल है उसे ये बाहर निकल के आ जाएगा फ्लेजिला, फ्रॉम देयर सेल वॉल एंड कॉल्ड फ्लेजिला। बैक्टीरिया सो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लेजिला, ये बात करेंगे अभी। जो बैक्टीरिया है उसमें नंबर अरेंजमेंट की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है। देखो बेटा जो फ्लेजिला है अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ट्राइकस। तो अरेंजमेंट देखें तो इसमें देखो ये अरेंजमेंट हो सकता है मोनोट्राइकस, ये मेंशन कर लेना बेटा काम आ जाएगा। मोनोट्राइकस कौन होंगे, ये बैक्टीरिया देखो बेटा एक ही फ्लेजिला होगा एक पोल पे, मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कंसिस्ट टू फ्लेजिला एट बोथ पोल, ये एम्फीट्राइकस कंडीशन होगी। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस में क्या होगा बेटा, देखो ग्रुप ऑफ फ्लेजिला ये बंच में होंगे बेटा, इसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। एक होता है पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस में क्या होगा, बैक्टीरिया जो है उसके चारों ओर फ्लेजिला होंगे, ये फ्लेजिला, दैट इज पेरिट्राइकस कंडीशन। कर लोगे, सिंपल बातें बिल्कुल, इनको नोट कर लेना। अब देखो फ्लेजिला की जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन पार्ट होते हैं, कितने पार्ट है बेटा, थ्री पार्ट्स। स्ट्रक्चर की बात करेंगे अभी, एक तो होता है फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, बीच में होगा बेटा हुक, और फिर होता है इसमें बेसल बॉडी। जैसे कोई भी अपन ग्राम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, मान लो ये है आपका एक स्ट्रक्चर बता देता हूं, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये ग्राम पॉजिटिव की बात करो बेटा, ग्राम पॉजिटिव, इसमें देखो जो फ्लेजिला है किस तरह से ओरिएंटेड है इसी में क्लियर कर देते हैं। तो फ्लेजिला में सबसे पहले तो बेसल बॉडी है बेटा, ये मेम्ब्रेन और सेल वॉल में होती है, इसमें देखो रिंग्स होती हैं, इसमें दो रिंग है बेसल बॉडी में। ये वाला पार्ट जो है ये थिक पार्ट, दैट इज हुक, और हुक से निकलेगा आपका ये वाला पार्ट, दैट इज फिलामेंट। क्लियर, तो ये कौन है बेटा, हुक है, ये कौन है, बेसल बॉडी, और जो लॉन्गेस्ट है दैट इज फिलामेंट, बता रखा है थ्योरी में, मेंशन कर लोगे अपने आप। तो ये बैक्टीरिया की जो फ्लेजिला है उसकी स्ट्रक्चर है, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट, हुक थिकेस्ट एंड मिडिल पार्ट, एंड बेसल बॉडी इज द बेसल पार्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो इन ग्राम पॉजिटिव फ्लेजिला कितनी रिंग है बेटा, दो रिंग है, एक ये और एक ये, और अगर ग्राम नेगेटिव है तो कुछ नहीं बेटा, बस इतना याद रखना है ग्राम नेगेटिव जो है उसमें फोर रिंग होती है, कितनी रिंग है बेटा, फोर रिंग होती है, कुछ नहीं करना क्योंकि वहां पर एलपीएस लेयर भी तो है ना, तो ये मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये पेप्टिडोग्लाइकन हो जाएगी, डायग्राम पे ज्यादा मत जाना, एलपीएस हो जाएगी, तो यहाँ पर जो रिंग आएंगी वो कितनी होंगी, 1 2 3 4 रिंग। क्लियर, ये डिफरेंस है, जो मैंने बताया उतना याद रखना है, तीन पार्ट है फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी। क्लियर, तो ये बात होगी फ्लेजिला की। अब मुझे बताओ फंक्शन क्या है फ्लेजिला का, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ फ्लेजिला, मोटिलिटी, हेल्प इन लोकोमोशन। तो जिस बैक्टीरिया के पास फ्लेजिला होगी वो मूवमेंट करेगा बेटा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट। क्लियर, नेक्स्ट पिली एंड फिम्ब्री, दो स्ट्रक्चर और बताई थी मैंने, पिली और फिम्ब्री, ये रहा बेटा देखो पिली फिम्ब्री, एक तरफ तो ले लेते हैं पिली और एक तरफ ले रहा हूं मैं बेटा फिम्ब्री। ओके, पिली जो होती है वो ट्यूबुलर होती है बेटा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ये होती है ब्रिसल लाइक, ब्रिसल लाइक आउटग्रोथ्स, है ना, अभी बताया था ये बैक्टीरिया है, तो ये कौन है, फिम्ब्री है, इस तरह से फिम्ब्री, और ये कौन है बेटा, इस तरह से ये पिली को रिप्रेजेंट कर रही है। पिली जो है
वो उसके कंपैरिजन में लार्ज हैं, लार्जर, और ये इसके कंपैरिजन में क्या होती है, स्मॉलर। नंबर की बात करें तो पिल्ली जो है फ्यू हैं और फिम्बरी का नंबर ज्यादा होता है, मैनी। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पिल्ली हेल्प इन कंजुगेशन, जीन ट्रांसफर में हेल्प करती हैं पिल्ली। जैसे कोई बैक्टीरिया है बेटा, ये रहा, ये बैक्टीरिया है, इसके पास पिल्ली है, ये पिल्ली, इसको बोलेंगे एफ प्लस। एक बैक्टीरिया है जिसके पास पिल्ली नहीं है, इसको बोलेंगे एफ माइनस। तो इसमें जो डीएनए है वो पिल्ली की हेल्प से ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये आएगा आपके डाइवर्सिटी में डिटेल में, लेकिन यहाँ इसको नहीं स्टडी करना, आपको फंक्शन पे जाना है। तो पिल्ली का फंक्शन क्या है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, एंड फिम्बरी जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करती है बेटा, बस इतना याद रखना है, अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट। वो कोई भी रोग हो या होस्ट टिश्यू, उसके साथ फिम्बरी जो है अटैच हो जाएगी, क्लियर, और फिर उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा बैक्टीरिया। तो ये बातें आपको बता दी हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन है, ये पिलिन प्रोटीन की बनी होगी, फिम्बरिन प्रोटीन की। तो फ्लैजेला, पिली, फिम्बरी तीनों प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। फ्लैजेला कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन, फिम्बरिन प्रोटीन, बट फंक्शन देखो, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, हेल्प इन अटैचमेंट, एंड फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन। इज दैट क्लियर? अब देखो, ये सारी स्ट्रक्चर अपने बैक्टीरिया की जो मैंने लेबलिंग की थी सारी कंप्लीट हो गई बेटा। बैक्टीरियल जो प्रोग्रेटिक सेल है वो सारी मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद देखो कुछ डिफरेंसेस की बात करूंगा मैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रेटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो देयर आर मेनी डिफरेंस इन प्रोक्रेटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट आपको डिफरेंस बताऊंगा, सारे मेंशन करने हैं। प्रोक्रेटिक सेल की साइज क्या होती है, स्मॉलर, 0.1 टू 5 माइक्रोमीटर, बट यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर देन द प्रोक्रेटिक सेल। सेल वॉल प्रेजेंट कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इन यूकैरियोट सेल वॉल किसमें होती है बेटा, देखो, प्लांट सेल एंड फंगल सेल, फंगल सेल, काइटिन, प्लांट सेल, सेलुलोज, ये सारे डिफरेंस आप कर लोगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है, मॉड्यूल में मिलेंगे। इसमें टिपिकल न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यूकैरियोट में टिपिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड लाइज इन साइटोप्लाज्म, डीएनए कहां प्रेजेंट होगा, विद इन द साइटोप्लाज्म, बट इन यूकैरियोट डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, डीएनए जनरली सर्कुलर, बट इन यूकैरियोट डीएनए इज लीनियर, कैसा होगा, लीनियर होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है हमेशा कैसा होगा, लीनियर होगा। ये सारे स्टेटमेंट आपको कवर करने पड़ेंगे बेटा, ओके। अब देखो नेक्स्ट, दो तीन डिफरेंस हो रहे हैं, ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था। इन प्रोकैरियोट स्टोन प्रोटीन एब्सेंट, सो डीएनए इज नेकेड, बट इन यूकैरियोट स्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विद द डीएनए। सेल मेम्ब्रेन मे हैव इनफोल्डिंग कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट, बट मीजोसोम एब्सेंट इन द यूकैरियोट। स्पिंडल एपरेटस नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये बात करेंगे बेटा डिवीजन वाले टॉपिक में। जो आपकी प्रोक्रेटिक सेल है वहां पर स्पिंडल एपरेटस फॉर्म नहीं होगा, बट यूकैरियोट में स्पिंडल एपरेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर राइबोसोम कौन से हैं, 70s, इन प्रोकैरियोट्स ओनली 70s राइबोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, बट इन यूकैरियोट 80s एंड 70s, बोथ टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। 80s फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑन ER, ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फ्री इन साइटोप्लाज्म, बट 70s राइबोसोम फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लियर, फाउंड इन द सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल की तो आगे आपको डिस्कस करनी है ना, तो सब अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर टोटली एब्सेंट, इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, बट इन यूकैरियोट्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, जिनको अपन डिस्कस करने वाले। अब देखो, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इन प्रोकैरियोट्स सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 70s राइबोसोम प्रेजेंट है। हाँ, ये बोल दो, इन प्रोकैरियोट्स ऑल सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट एक्सेप्ट द राइबोसोम, इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, मालूम बेटा प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यहां पर प्रेजेंट है। पिली फिम्बरी इसका कैरेक्टर, यहां पर पिली फिम्बरी एब्सेंट होंगी। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोट को आपने कंप्लीट कर लिया, यूकैरियोट के मैंने कंपैरिजन में कुछ कैरेक्टर आपको बताए हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करना है, और फिर यूकैरियोटिक सेल के आर्किटेक्चर को, जो स्ट्रक्चर, उसको आपको डिटेल में अब एक्सप्लेन करना है, ओके। तो यहां पर अब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूकैरियोटिक सेल्स कौन होंगे, दोज कंसिस्ट ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ऑल्सो कंसिस्ट द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, रिप्रेजेंट द टू एनवलप सिस्टम। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट्स है बेटा, इंक्लूड ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई, फंजाई। तो फंगस और इनकी मैंने बातें आपको पहले बता दी थी कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है वो किसमें प्रेजेंट होती है, ऑल किंगडम एक्सेप्ट द मोनेरा, क्लियर। इन यूकैरियोटिक सेल्स देर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गेनल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। कर लोगे याद इसको? यूकैरियोटिक सेल पजेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद, ये सब बातें कर चुके हैं बेटा, ये एनसीईआरटी का मैंने कंटेंट लिया है, इसको आप खुद रीड करोगे, सारे स्टेटमेंट में कवर कर चुका हूं। अब आपको सीधा यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर पे चलना है, तो नेक्स्ट पहले अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद में देखो। अब यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करनी है, जैसे आपने प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी की तो आपने एग्जाम्पल क्या लिया था? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया सोल मेंबर्स है, टिपिकल एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको अपन ने काम में लिया। और यहाँ पर अपन क्या लेंगे? प्लांट सेल और एनिमल सेल। और ये बेटा बचपन से स्टडी करते आ रहे हो, प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर, बिल्कुल क्लियर है? उसमें कुछ बेसिक जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर फिर अपन क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो देखो प्लांट सेल की मैं एक बार ब्रीफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद में एक एक स्ट्रक्चर के बारे में अपन स्टडी करेंगे विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखो यहां थोड़ा स्पीड रहेगी बेटा, क्योंकि इजी चीजें हैं, इनको आगे डिटेल में तो लेना ही है। देखो प्लांट सेल चारों ओर कौन है बेटा? ये सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल थोड़ा टिपिकल एग्जांपल दिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वही मैंने उसको यूज किया है। देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल लाइक न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा देखो बेटा आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सीसोम है, ये सारे कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये स्ट्रक्चर आप देखोगे पहले, फिर अपन इस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले, क्लियर? इस स्ट्रक्चर को आप खुद मेंशन करोगे, फिर इसको डिटेल में लेते हैं। डिफरेंस देखो बेटा प्लांट सेल एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है, बड़े सिंपल है, कुछ नहीं है। एनिमल सेल देखो, सेल वॉल एब्सेंट, तो उसकी जो शेप है वो कंफर्म नहीं होगी। यहां पर सेल वॉल क्या है बेटा? प्रेजेंट है, शेप डिफाइंड होगी। एनिमल सेल मैनी स्मॉल वैक्यूल जो होती है बेटा एनिमल सेल में, क्या होती है? स्मॉल होती है मैनी, बट इन प्लांट टिपिकल सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट। ओके, न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर, न्यूक्लियस एट पेरिफरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्लियर? व्हेन प्लेस वाटर, ये सारी सिंपल बातें हैं। अगर एनिमल सेल को वाटर में प्लेस करोगे तो बेटा ब्रस्ट होगी, बट प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, यहाँ पर रिजर्व फूड जो होता है वो होता है आपका स्टार्च। प्लास्टिड अब्सेंट, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते बेटा, प्लास्टिड किसमें होते हैं? प्लांट सेल में। सब बातें आएंगी, ये डिफरेंस आप तब करना जब एक बार यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो जाए, कुछ नहीं है इनमें। माइटोकॉन्ड्रिया मोर, ज्यादा होंगे नंबर में, प्लांट सेल में क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? कंपैरेटिवली कम होंगे। सेल डिवीजन अकर्स बाय क्लीवेज, जो साइटोकाइनेसिस है वो क्लीवेज, और उधर क्या होगा? फरो मेथड, ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करूंगा, अभी रटना हो जाएगा। जब ये चैप्टर पूरा होगा तो अपने आप इस पे आओगे, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये बिल्कुल एंड में होता है, लेकिन मैंने पहले बीच में ऐड कर दिया। गोल्जी एपरेटस कॉमनली सिंगल कॉम्प्लेक्स, और प्लांट सेल जो है उसके अंदर सिंपल फॉर्म में होता है, सिंगल यूनिट में होता है, और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटिव होगा। सेंट्रोसोम प्रेजेंट, यहाँ पर अब्सेंट होंगे। ग्लायोक्सिसोम अब्सेंट, लाइसोसोम प्रेजेंट, ये देखो यहाँ पर सारे डिफरेंस, ग्लायोक्सिसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, ग्लायोक्सिसोम भी होंगे, स्फेरोसोम्स भी होंगे। लाइसोसोम किसका करेक्टर है? एनिमल सेल का, प्लांट सेल में लाइसोसोम यूजुअली एब्सेंट होते हैं, रेयरली प्रेजेंट, कभी कभार होते हैं। स्पिंडल एपरेटस एम्फीएस्ट्रल, और यहाँ पर स्पिंडल एपरेटस होता है एनेस्ट्रल, क्योंकि सेंट्रोसोम बेटा है ही नहीं, तो सेंट्रोसोम ही तो बनाता है, तो सेंट्रोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एम्फीएस्ट्रल होगा। आगे की बात है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, इन पे अभी दिमाग मत लगाना, कंप्लीट चैप्टर होने के बाद, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा बेटा एम्फीएस्ट्रल, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एनेस्ट्रल। तो ये डिफरेंस आपको मेंशन करने हैं सारे, कर लोगे? अब देखो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसकी स्ट्रक्चर आपने देखी, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको सबको एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल प्रेजेंट है, देखो यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल भी है, प्लांट सेल भी है, तो सेल वॉल होगी, अगर प्लांट सेल है तो, एनिमल सेल है तो अब्सेंट होगी। तो यूकैरियोटिक सेल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये थोड़ा बना लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ। सेल वॉल, अगर सेल वॉल को साइड में कर दोगे, सेल वॉल को हटा दो, तो रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट कौन होता है बेटा? सेल विदाउट सेल वॉल। जो प्रोटोप्लास्ट है उसके फिर दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक तो होगा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कौन होगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म के फिर से दो पार्ट होंगे बेटा, एक तो होगा साइटोप्लाज्म और दूसरा होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या है बेटा? डबल मेम्ब्रेन है सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म की बात करें उसमें भी दो पार्ट होंगे बेटा, एक तो होगा सेल ऑर्गेनल्स, होंगे ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं साइटोप्लाज्म में, और प्रेजेंट है उसमें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जिसमें बायोमोलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं।
सेल ऑर्गेनल की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो स्टडी करना है आपको। सेल ऑर्गेनल में देखो, एक तो होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेनस। बताओ डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। और सिंगल मेम्ब्रेनस भी है बेटा, सबकी स्टडी करेंगे अपन। सिंगल मेम्ब्रेनस बताओ कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब आने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो है ग्लायोक्सिसोम, स्फेरोसोम, परोक्सिसोम, सब आएंगे। ठीक है, आप खुद बनाओगे सिंगल मेम्ब्रेन वाले, ये होमवर्क आपके लिए। देखो मेम्ब्रेन लेस भी होंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन लेस जिनमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जानते हो ना बेटा, राइबोसोम इज द मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, राइबोसोम। और इसके अलावा सेंट्रोसोम, दीज आर द मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स। दैट क्लियर? तो ये बात होगी आपके कंपोनेंट्स की। अब इसी को डिटेल में स्टडी करना है तो अपन कहानी स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल से। देखो पहले सेल वॉल की स्टडी करेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पे आएंगे, फिर सेल ऑर्गेनल्स पे आएंगे, तो सारी चीजें अपन धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये बना लेना। अब बात करते हैं सेल वॉल की, छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, सेल वॉल को कवर कर देते हैं बेटा। ठीक है, देखो बेटा सेल वॉल, अभी थोड़ी देर पहले बैक्टीरियल सेल वॉल स्टडी की थी, अब प्लांट सेल वॉल पे आते हैं। तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, इट इज आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, फंगस एंड सम प्रोटिस्टा मेनी प्रोकैरियोट्स, बात कर ली थी अपन ने। तो अब यहां देखो, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बता चुका हूं। एल्गल सेल वॉल है मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल वॉल की बात करें तो बेटा इसमें मेन कौन होंगे? सेलुलोज होगा, हेमिसेलुलोज होगा, पेक्टिन होंगे और प्रोटीन्स होंगे। लेकिन जो एल्गल सेल वॉल है, याद रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनेंस एंड द मिनरल्स लाइक द कैल्शियम कार्बोनेट। कर लोगे, बिल्कुल सिंपल बातें। ठीक है, अब थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर पे चलते हैं अपन, प्लांट सेल वॉल की अपन स्टडी करने वाले हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो एक बार मैं हल्का सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद में चलते हैं। ये मान लो सेल ए है और ये सेल बी है, प्लांट सेल, आपस में आपको पता ना एडजेसेंट होती है बेटा। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन बता दी मैंने। अब देखो सेल वॉल की अगर बात करें तो इनके बीचों बीच तो होती है मिडिल लैमेला, ये है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के इधर अंदर की तरफ ये होगी प्राइमरी सेल वॉल, फिर होगी बेटा सेकेंडरी सेल वॉल, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल, और ये कौन है बेटा? मिडिल लैमेला। ऐसे यहां पर भी प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो देखो सेल वॉल के तीन पार्ट होते हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। देखो ऐसे रफ डायग्राम बनाया मैंने, अब इस पे चलते हैं। देखो आगे तो कंपोजिशन की बात करें तो अभी मैंने बताया आपको सेल वॉल मेनली, प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड, प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं बेटा, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। लेकिन सेलुलोज के अलावा भी तो आइटम होते हैं, सेलुलोज है, इसके अलावा हेमिसेलुलोज है बेटा, पेक्टिन वगैरह, लिपिड, प्रोटीन, लिग्निन बहुत कम अमाउंट में होते हैं, मेन कौन होता है? सेलुलोज। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है देखो आपका हेमिसेलुलोज, वाटर कंटेंट तो होगा ही होगा, तो सेलुलोज जो है माइक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्म में होता है, और जो मैट्रिक्स है उसमें वाटर, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड, प्रोटीन, लिग्निन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। देखो एक रफ स्ट्रक्चर बनाई है ये सेल वॉल की, ये तो बताया था मैंने। देखो ये सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी होगी, और मिडिल लैमेला कहाँ होगी बेटा? बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, कुछ नहीं करना है, इनमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, जो बता रहा हूँ उतना ही आपको कवर करना है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो आप बताओगे बेटा सेल वॉल जो है उसमें तीन पार्ट है, क्लियर? मिडिल लैमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो मिडिल लैमेला की बात करें, देखो अभी बताया मैंने दो प्लांट सेल है, ये दो प्लांट सेल आपस में किससे कनेक्ट होंगी बेटा? मिडिल लैमेला, दैट इज ML, मिडिल लैमेला प्लांट सेल ए, प्लांट सेल बी। इट इज अब्सेंट इन यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर प्लांट में मिडिल लैमेला का कोई काम नहीं है बेटा। इट इज द सेंट्रल कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स एंड कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बनी होगी बेटा ये? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, मेनली कौन होगा? कैल्शियम पैक्टेट, अगर मेन पूछे तो कैल्शियम पैक्टेट। ओके, ऑल्सो कॉल्ड प्लांट सीमेंट, मिडिल लैमेला ऑल्सो कॉल्ड प्लांट सीमेंट, याद रख लेना, बहुत सिंपल बातें बेटा ये, नीट में ही आता है। इट इज फर्स्ट लेयर विच इज डिपोजिटेड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवीजन होगा, तो सबसे पहले मिडिल लैमेला बनेगी, फिर प्राइमरी बनेगी, देन आफ्टर सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज अब्सेंट ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ प्लांट सेल, बेटा दिमाग नहीं लगाना, जहां पर फ्री सर्फेस है, जहां दूसरी सेल अटैचमेंट में नहीं आएगी, तो वहां पर मिडिल लैमेला अब्सेंट होगी।
और जब फ्रूट राइपनिंग होती है, जब फ्रूट सॉफ्ट होता है, तो वहां पर मिडिल लैमेला को क्या करते हैं बेटा, डिजोल्व कर देते हैं। तो मिडिल लैमेला जब डिजोल्व हो जाएगी तो टिश्यू लूज हो जाएगा, तो ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग मिडिल लैमेला इज डिजोल्व्ड। तभी तो जो फ्रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं जब उनकी राइपनिंग होती है। क्लियर कर लोगे मिडिल लैमेला। नेक्स्ट प्राइमरी सेल वॉल, बिल्कुल सिंपल है बेटा। प्राइमरी सेल वॉल कहां बनेगी, अभी बताया मैंने, जैसे मान लो ये मिडिल लैमेला थी, मिडिल लैमेला इसके अंदर की तरफ बनेगी, ये प्राइमरी सेल वॉल, यही तो है आपकी सेल, ये सेल है। फिर उसके अंदर कौन बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल, देख लो, थिन इलास्टिक एंड इज फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल विच डेवलप इन द सेल इनर टू द मिडिल लैमेला, इन मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ। लोकेशन याद रखनी, क्लियर। इसमें प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ कैपेसिटी होती है बेटा, प्यारा स्टेटमेंट है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, जो होता है उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ करती है एक लिमिट तक, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज द सेल मैच्योर, बट सेल मैच्योर होने के बाद डिमिनिश हो जाएगी, मतलब वहां से गायब हो जाएगी। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, बिल्कुल क्लियर है, सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर की तरफ बनेगी। लोकेशन पूछ लेता है, लोकेशन मैंने बता दिया, ठीक है, ये कर लोगे बेटा, सिंपल बातें हैं। सेल पजेस ओनली प्राइमरी सेल वॉल, जो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, ओके। और प्राइमरी सेल वॉल जो है मेनली किसकी बनी होगी बेटा, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन, ओके। सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड थिक लेयर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लेकिन साथ में क्या होंगे, लिग्निन, सुबेरिन एटसेट्रा, तो ये ज्यादा क्या होती है, हार्ड होती है, अब्सेंट यूजुअली इन मेरिस्टेमेटिक सेल, जो उसमें अब्सेंट होगी, और ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है। और कहां बनेगी, जस्ट इनसाइड द प्राइमरी सेल एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो एक दो पॉइंट बता रहा हूं, एक अलग से पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, प्लाज्मोडेस्माटा, ये समझाना था, प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या होता है, देखो बेटा ये दो प्लांट सेल हैं बेटा आपकी, ठीक है, ये मिडिल लैमेला है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, ओके। तो यहां देखो ये जो कनेक्शन है, ये जो आपके कनेक्शन हैं, ये वाला कनेक्शन, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, ये वाला, ऐसे बता देते हैं, दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा, ये साइटोप्लाज्म इसका, ये साइटोप्लाज्म इसका, तो ये वाला जो डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेक्ट, इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, कर लोगे बेटा, डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेक्ट बिटवीन टू प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, कर लोगे साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेक्ट। ये थोड़ा स्पीड करनी पड़ेगी बेटा आपको, क्योंकि सिंपल बातें हैं, कवर करोगे आप, और किसमें हेल्प करेगा बेटा, ये ट्रांसपोर्ट में, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, क्लियर। तो ये बात होगी आपकी, मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी को कवर करना है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के हर स्टेटमेंट पे आपको जाना है, तो एनसीईआरटी में अपने सारी बातें कवर कर दी है। तो प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की, मेनली सेलुलोज की। फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की, याद रखना आपको, किसकी, काइटिन। और काइटिन कौन होता है बेटा, पॉलीमर, ये आएगा बायोमोलिक्यूल में, पॉलीमर ऑफ नाग, ओके। तो सेल वॉल की थोड़ी सी मैंने बातें समराइज कर दी हैं। अब इसके बाद देखो, सेल वॉल को एनसीईआरटी से कवर करना है बेटा, क्योंकि आपको भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि, क्योंकि आपको थोड़ा क्रैश कोर्स में क्या होगा, स्पीडली चलेगा, लेकिन सारे पॉइंट कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन जो है उनकी अपन बात कर लेते हैं, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था, मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, वेरी वेरी सिंपल, फ्लेजिला, फंक्शन ऑफ फ्लेजिला, हेल्प इन मोटिलिटी। यही नीट के क्वेश्चन है, देख लो बेटा, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी सेल वॉल इन हैविंग, वेरी वेरी सिंपल बेटा, सेलुलोज दोनों में होता है, हेमिसेलुलोज दोनों में होगा, पेक्टिन, तो सेकेंडरी सेल वॉल में ऐसा क्या है, देखो लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, प्राइमरी सेल वॉल में नहीं होता, कर लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट, ये तो बेटा बहुत ईजी है, ये इंक्लूजन बॉडी है, ये भी इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन, लेकिन जो पॉलीसोम है वो इंक्लूजन बॉडी नहीं है, कर लोगे। सेल वॉल इज अब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें अब्सेंट होती है बेटा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं होती बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, तो ये आपका कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट अप करेंगे जब आप क्वेश्चन पे जाओगे, नीट के क्वेश्चन देखना डायरेक्टली आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक और होस्ट टिश्यू, वेरी वेरी सिंपल, अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है बेटा, फिम्ब्री,
सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. ये सारे स्टेटमेंट बड़े सिंपल है. रॉन्ग स्टेटमेंट देखो, पिली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया. यही रॉन्ग हो गया बेटा. पिली फिम्ब्री जो है मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती है. पिली फिम्ब्री नॉट हेल्प इन मोटिलिटी. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए प्रोकैरियोट. वेरी वेरी सिंपल. इसमें प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है, देखो बेटा, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है. माइकोबैक्टीरियम नाम से पता लग रहा है बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोट होगा. दैट इज सैक्रोमाइसिस, दैट इज द फंगस, फंजाई. इट इज नॉट ए प्रोकैरियोट. ये कौन से किंगडम में आएगा बेटा, किंगडम फंजाई. अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला. अभी तो बताया था, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, रोडोल्फ वर्चो. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आपका, रोडोल्फ वर्चो. आंसर क्या हो जाएगा, रोल वर्चो. कर लोगे बेटा, ये इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं. इसलिए एनसीईआरटी को अपन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे. एनसीईआरटी के हर स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको अप्रोच करना है. मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने क्रैश कोर्स को अच्छे से अगर यहां फॉलो कर लिया, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा. लेकिन याद रखना आपकी जिम्मेदारी है बेटा, कवर करना है, फॉलो करना है. हम जो बोले उसको फॉलो कर लो आप. तो क्लियर, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा लेकिन स्मार्ट वर्क. उन्हीं पे फोकस करो जो एग्जाम में आते हैं. बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है. कुछ नहीं आएगा इनसे बाहर. स्पीड फास्ट रहेगी लेकिन आप उससे पहले रिवीजन करके आना होगा. जब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन आएंगे तो रिवीजन करके आना बेटा. उसमें अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कवर करेंगे और सेल मेम्ब्रेन को कवर करेंगे. तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में 2-3 तो पेज होते हैं, कवर कर लेना. अपन थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सारी बातें वहां पर क्लियर कर लेंगे. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल मेम्ब्रेन. ओके, और आप जो है क्रैश कोर्स के साथ साथ जो गुरुनीति हमने प्रोवाइड करवा रखी है यूट्यूब पे बेटा, उसको कंटेंट वाइज देखें. सेल वाली जो गुरुनीति है उसको देखना आप. उसमें गुरुनीति में आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो मिलेंगे. लेकिन एक बार टॉपिक थोड़ा सा कवर हो जाए उसके बाद में गुरुनीति पे जाना. और गुरुनीति में बिल्कुल आपको वहां पर आराम से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है. उसमें फिर थ्योरी को भी लपेट रखा है. ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.